गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम जो हुआ उसकी आंसर की और सारे के सारे क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आए थे, जो ऑप्शंस थे और राइट आंसर क्या होना चाहिए। बट उससे पहले काफी सारी बातें और भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने काफी सारी बातें टेलीग्राम पे करी है, कुछ कुछ डाउट्स भी हैं कि कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलती है, क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। और मैंने ऐसा लिखा कि इस फ्री मैगजीन में से, पेड नहीं, फ्री मैगजीन में से 21 क्वेश्चन ओनली इस मैगजीन में से कवर हुए। पहले तो प्रूव करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। और फिर कुछ कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि इतने क्वेश्चन तो जनरल एग्रीकल्चर की बुक से भी आए हैं। मान ली, बिल्कुल मान ली बात, लेकिन जनरल एग्रीकल्चर की बुक में तो 300-400 पेज होंगे ना, इसमें सिर्फ 80 पेज है, 40 पेज है, डबल साइड बोलोगे तो 80 पेजेस है। 80 पेजेस में से हमने 21 क्वेश्चन कवर किए हैं। मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे, मैगजीन ये मैंने 5000 कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की थी, टेलीग्राम पे भी डाल दी थी 31 तारीख को जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर हुआ था, तो ये वाली मैगजीन। प्लीज कमेंट में यस लिखिएगा अगर आपको मिली हो, बिकॉज सब लोगों को तो मिली नहीं होगी, बट बिहार के सेंटर पे, उत्तर प्रदेश के सेंटर पे, एंड कुरुक्षेत्र जो सेंटर था हरियाणा में वहां पे, और एक यमुनानगर में सेंटर था वहां पे, और चंडीगढ़ में एक सेंटर था ज्ञान ज्योति, वहां मैं खुद गया था। ये हमने 5000 कॉपी सेम डे फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। मिली है तो यस लिखिएगा, नहीं मिली तो कोई चक्कर नहीं है, फिर आपका टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे फ्री मैगजीन डाउनलोड कर लीजिए। और यस इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमने 2 दिन में तैयार करवा लियो और जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर डाल दिए हो, ऐसा तो नहीं ना। क्योंकि ये मैगजीन पार्ट 2 के नाम से सबको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सेंटर में बोल रहा हूं, पूरे इंडिया में नहीं कर पाए, लेकिन 5000 कॉपी हमने दी है, 21 क्वेश्चन 80 पेज में से कवर किया है। अब दूसरी बात कि इतना तो जनरल एग्री की बुक में से भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, 50 में से 21 क्वेश्चन बुक में से आएंगे, बट 21 से सिलेक्शन जो प्रॉब्लम ये भी है ना। तो भाई वहां पे 300-400 पेज होते हैं, यहां पे सिर्फ 80 पेज थे, ओनली 80 पेजेस। अब एक बात मैंने बोली थी कि सिंगल पेज से 7 क्वेश्चन आए, बट सॉरी मैं गलत था। क्यों गलत था? बिकॉज सिंगल पेज से 7 क्वेश्चन नहीं, सिंगल पेज से 10 क्वेश्चन। पेज नंबर 13 मैगजीन आपके पास है, ऑनलाइन ऑफलाइन होगी, इसको खोल लीजिएगा, एक पेज से 10 क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ऐड किए गए हैं, वो जहां से भी होंगे वो तो हमारे सोर्सेज अल्टीमेटली, लेकिन एक सिंगल पेज से 10 क्वेश्चन है। मैं 10 के 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बट उससे पहले बता दूं, एक बार बोल देता हूं मैं कि कौन कौन से पेज नंबर पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पेज नंबर 2 से एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 3 से एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 से एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 7 से एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 8 से एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 13 से 10 क्वेश्चन। पेज नंबर 13 से 10 क्वेश्चन, 10 के 10 गिनवाने वाला हूं। पेज नंबर 14 से 2 क्वेश्चन, पेज नंबर 35 से एक क्वेश्चन, पेज नंबर 48 से एक क्वेश्चन, पेज नंबर 73 से एक क्वेश्चन, पेज नंबर 75 से एक क्वेश्चन। कुल 21 क्वेश्चन यहां से टोटल 80 पेज में से पूछे गए। जिस 13 नंबर पेज की बात मैं कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा भी दूंगा, बट क्वेश्चन बता देता हूं क्योंकि इजी क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो यहां पे लिखा गया है, किसी जनरल एग्रीकल्चर की बुक में मिल जाए तो कमेंट बॉक्स अगले पूरे एक साल तक खुला हुआ है, लिख दीजिएगा। बोल ऐसा इस तरीके से रहा हूं बिकॉज ना वो तो ईजी है, मैंने अभी एक शॉर्ट डाला था कि हाँ हम ऐसे ऐसे गिनवाएंगे, तो किसी ने जब लिखा कि जनरल एग्रीकल्चर तो बुरा सा भी लगता है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम से 5 दिन पहले हमने ये वाले लास्ट मिनट नोट्स हमारे बच्चों को दिए थे, इतना तो करना पड़ेगा ना बच्चों के लिए, तो उनके पास ये 5 दिन पहले से ही थे, लेकिन पब्लिकली हमने इसे एग्जाम होने के बाद तुरंत ही दे दिया था। अब अगले एग्जाम में काम आ सकता है, लेकिन अगले एग्जाम तक हम और लास्ट मिनट नोट्स भी देंगे बच्चों को। अब अगर आपको लगता हो कि जनरल एग्री की बुक में से मिल जाता है, तो एक काम कीजिएगा, शुरू कीजिएगा कहां से, ऊपर से या नीचे से, मैं आपको बता देता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। या नीचे से शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 लाइन छोड़ देना, 8वीं लाइन में लाइन लिखी गई है क्वेश्चन, मैं वो लाइन आपको पढ़ के बता देता हूं। बोला गया फार्मिंग मेंट फॉर रिस्क रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन एज वेल एज इनपुट कॉस्ट रिडक्शन एंड टू रिड्यूस वोलेटिलाइजेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट इज नोन एज, एंड आंसर क्या लिखा गया आपको बता दूं मैं माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत सारे लोग डाउट में है, प्लीज देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, हियर द आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग।
अभी तक डाउट चल रहे हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगा, व्हाई? बिकॉज लो कॉस्ट की बात की दी थी, आंसर यहां पे लिखा हुआ है, किसी जर्नल की बुक में लिखा हो तो प्लीज मुझे नाम बताइएगा कि सर इस बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था यहां पे लैंग्वेज है। इसके अलावा बता देता हूं, एक मोर्स कोड वाला क्वेश्चन आया था वो इस पेज से पूछा लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आया था ड्रिप इरिगेशन वाला इस पेज पे है, एक आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्वेश्चन आया था इस पेज पे है, व्हाट इज अप ये हो गया, केसीसी वाला एक क्वेश्चन आया था वो इस पेज पे है, एक स्पॉन्जी लाइक अपीयरेंस जो स्पॉन्जी टिश्यू वाला आया था इस पेज पे है, फिर एक आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला वो इस पेज पे है, एमएसपी वाला क्वेश्चन था इस पेज पे है, मैक्सिमम लैंड होल्डिंग बाय मार्जिनल फार्मर इस पेज पे है, एक क्वेश्चन आपका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ यहां पे एक्चुअली एफपीओ लिखा गया, पीओ नहीं लिखा गया, बट एफपीओ होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन which is also known as producers organization. तो ऑप्शन ने producer organization दिया था, लेकिन लैंग्वेज यहां पे लिखी गई है, एक सिंगल पेज पे यहां पे 10 क्वेश्चन है, प्लीज मेरी बातें मत मानिएगा, हमने 5000 लोगों को फ्री ये वाली मैगजीन दी है, 13 नंबर पेज पे जाके देखिए और उसे कंफर्म भी कर लेना कि क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम खत्म होते तुरंत गेट पे दे दी गई थी, अगर दे दी गई थी मतलब हमने ये पेपर से पहले बनाई होगी, और चेक कर लीजिएगा क्या 13 नंबर पेज से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अब मैं आपका डिस्कशन स्टार्ट कर देता हूं, अब हमारे जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे कर देते हैं, बट हाँ मेहनत करते हैं ना, आप लोगों का प्यार भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, मेरा बर्थडे था 31 तारीख को, मैं इसलिए लेट हो गया इस एनालिसिस के अंदर क्योंकि सारे मेरे पार्टनर्स आए हुए थे तो उनको भी टाइम देना जरूरी था, वरना मैं 31 को ही एनालिसिस करवाता इसका, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करी मैंने, लगभग 7 दिन मैंने इसके लिए लगाए थे, मैं अकेला नहीं था, 2 लोग और थे, 3 लोगों ने हमने 7 दिन तक मेहनत की थी इस 80 पेजेस के लिए, तो कोई ऐसे लिख देना कि इतने से जनरल एग्री की बुक में से भी आ जाते हैं तो फिर थोड़ा बुरा सा लग जाता है यार कि जनरल एग्री की बुक 100 रुपए की तो आती होगी, वैसे 100 में आती नहीं है बट 100 तो आती, ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया सबको और 21 क्वेश्चन कवर किए हैं सर, बिकॉज जब बना रहा था ना तो मैं मतलब मेरे 2 लोग ऐसा काम कर रहा था, मैंने एक ही बात बोली थी कि यार एटलीस्ट 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ना तो मजा आ जाएगा, हमारी मेहनत और बच्चे जो पढ़ेंगे उनको काम आएगी, बट 5 नहीं 21 अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बिकॉज कभी इतना होता नहीं है कि 80 पेज में से आप 21 क्वेश्चन कवर कर दें, बट हाँ ये शायद आप लोगों के प्यार का रिजल्ट है। चलो अब आगे चलते हैं, है ना, थैंक यू सो मच, क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, सोर्स के साथ करूंगा बिकॉज 21 क्वेश्चन तो फ्री मैगजीन में से कवर किया है एंड 39 क्वेश्चन हमारा जो कंटेंट है उसमें से कवर किया है, लेकिन ये तो ऐसे ही हो सकता है क्योंकि ये तो कोर्स बेचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, एक्चुअली हो सकता है, तो पहला तो 21 वाली बात तो मैंने कर दी प्रूव, ये 39 वाली भी कर दूंगा प्रूव, 39 के अलावा 3 आंसर्स वो है जो द हिंदू से मुझे दिखते हैं और पहले दिन क्लास में बोलता हूं द हिंदू कवर कीजिए, तो अगर उन सोर्सेस का द हिंदू कवर किया होता तो 42 एग्जैक्ट करेक्ट हो सकते थे, है ना, 42 एग्जैक्ट हो सकते थे, बाकी मेहनत बच्चों की होती है, कौन कितनी करता है, बाकी कट ऑफ जब आएगी तब पता चलेगा क्या कट ऑफ जाने वाले क्या नहीं, प्रिडिक्शन अभी बंद कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, तो चलेंगे उसकी बात करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन के साथ चलते हैं, मैंने आपको बोला कि जो 39 वाली बात मैं कर रहा हूं मैं आपको सोर्स दिखाता जाऊंगा कि कहां कहां पे हमारे किस नोट्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या 39 एक्चुअली कवर किए और 3 आपको वहां से करने चाहिए थे, तो 42 मैं ये मानूंगा कि हमारी गाइडेंस से कवर हुए, हाँ 42, अब 42 से कम या ज्यादा आपने किया है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट हमने हमारी साइड से उतना कवर किया बिकॉज कुछ क्वेश्चन वो थे जो थोड़े से नए थे, हाँ उतना नहीं भी नहीं थे लेकिन उतनी डेप्थ में जाना, वो जो 75 ईयर्स वाला क्वेश्चन है उतनी डेप्थ में जाना हर स्कीम के केस में पॉसिबल नहीं है, फिर बहुत बहुत डिटेल हो जाएगी तो करंट अफेयर्स के नाम पे 3 किताबें बन जाएंगी, तो उतना डेप्थ में जाना पॉसिबल नहीं है, बट एनी हाउ जिस तरह का पैटर्न था उस तरह की करंट अफेयर्स की बुक को भी हम दिसंबर मंथ के अंदर रिलीज करेंगे और इसी पैटर्न को लेके लास्ट मिनट्स नोट्स भी हम रिलीज करेंगे, बट वो आपके AFO मेंस एग्जाम के 3-4 दिन पहले ही करेंगे और वो इंटरनली करना पड़ता है ताकि थोड़ा सा बेनिफिट हो, बिकॉज सबको दे देंगे तो फिर कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है। सो क्वेश्चन यहाँ पे था नेम ऑफ द इरीगेशन मेथड विच इज मोस्ट इफेक्टिव वॉटर एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड डिलीवर वॉटर एंड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू द प्लांट रूट जोन, आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसने यहाँ पे एफिशिएंसी की बात भी कर दी थी, तो सब लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी की बात आएगी तो आंसर वुड बी ड्रिप इरिगेशन, इसमें कोई सोर्स दिखाने वाली यार एक बार के लिए काम करो, आप जो लिख रहे हैं ना
अभी मत लिखो, लास्ट में लिख लेना, मैं आंसर भी कर पाऊंगा, वरना ये मजा नहीं आएगा फिर यार। आप लिख रहे कि सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लैंग्वेज ये नहीं थी, उसने दूसरे था जो जीरो बजट की है। सर मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरे पास लगभग 3000 बच्चे हैं, मैंने सबसे डिस्कस किया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने आंसर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किया है। यस और नो ईमानदारी से लिख दो। तो जब हमने किया है ना, हमारा दिल है कि मानता नहीं, फिर जाता है और धक्के से कहता है नहीं नहीं वो लिखा गया था, मैंने ऐसे ही नहीं आंसर आपको बताया सर, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगा बिकॉज वहां पे प्राइस की बात की गई थी, है ना, प्राइस रिस्क की, प्राइस वोलेटिलाइजेशन की बात की गई। तो जब प्राइस रिस्क की बात आएगी ना, वहां पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कभी नहीं आ सकता। इनपुट कॉस्ट कम कर सकता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, लेकिन मार्केट रिस्क कम नहीं करता वहां पे। बच्चों एक बार यस नो लिख दो, इनका डाउट भी क्लियर कर दें, क्या वहां पे मार्केट रिस्क, प्राइस वोलेटिलाइजेशन या प्राइस स्टेबिलिटी जैसा कुछ उसमें था? यस और नो लिख दीजिए। अगर था तो दैट मींस आंसर विल बी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और हो ही नहीं सकता। जस्ट राइट यस और नो कि वहां पे रिस्क की, मार्केट स्टेबिलिटी की, मार्केट प्राइसेस की, प्राइस वोलेटिलाइजेशन, कुछ ऐसी बात की गई थी, आप आंसर पढ़ सकते हैं सर। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपने आंसर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किया है, इसीलिए आपका दिल वहां पे जा रहा है। आप देख लीजिए सिंगल सिंगल बच्चा यस लिख रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइस वोलेटिलिटी, तो भाई साहब मार्केट में मेरा आलू 2 रुपए किलो बिकेगा तो मुझे नुकसान होगा, बट मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 5 रुपए किलो के ऊपर, प्राइस वोलेटिलिटी अब मेरा रिस्क नहीं है। दैट कैन बी डन ओनली इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो विदाउट एनी डाउट आंसर वुड बी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किसी कंडीशन में नहीं आ सकता। सुभाष पालेकर साहब ने सब बातें की हैं इनपुट कॉस्ट कम करने की, लेकिन मार्केट वोलेटिलाइजेशन की पूरी उनकी जो किताब है ना, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो कम नहीं कर सकता, बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफकोर्स कर सकता है। और आप खुद समझिए 2016 के बाद 3 फार्म लॉज जो आए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र ज्यादा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जिक्र कम है। समझदार बनिए, मैं तो यहां पर आपकी बातों की रिप्लाई कर लूंगा, लेकिन आंसर तो आईपीएस मानेगा और जो सही है वही मानेगा। तो ये लॉजिक ने आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप भी समझते हैं, और आप खुद बता दो यार, आप सारे लोग लाइव हो, इतने सारे लोग आप मुझे सुन रहे हो, आप बताओ इस टाइम पे डिस्कशन में क्या चल रहा है? ये जो किसान हरियाणा के, पंजाब के चल रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, 3 लॉज की बात आई, लैंड लीज एक्ट की बात आई, अडानी की बात आती है, गोडाउन की बात आ जाती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज्यादा जिक्र में चल रहा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? आप आंसर लिख दीजिएगा। आप लोग सब कुछ जानते हैं सर, जनता जनार्दन है, सब जज कर लेती है। मैं फिलहाल आगे चलता हूं, इसमें तो क्या ही सोर्स दिखाना यार, ये सब बातें तो बहुत नॉर्मल हो गई हैं आजकल ड्रिप व्रिप वाली। आगे चलता हूं, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देहरादून आंसर था, इजी था, क्वेश्चन था, कवर्ड होना ही होना है। मैं रिसोर्सेज के साथ दिखा रहा हूं जहां जहां पे हमने कवर किया हुआ है ना। ओके, थैंक यू सो मच लिखने के लिए, है ना। आगे चलता हूं, अब आंसर भी करते जाइए साथ साथ, आपको भी थोड़ा मजा आता रहेगा। So, which of the following state has highest area under organic farming in India? है ना, इंडिया की बात करेंगे तो organic farming में जो highest area है वो किस स्टेट का है? What will be the right answer? Okay, so right answer की बात करते हैं, सब लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पे right answer MP आ जाएगा। सर फोटो आपके सामने है, ये मेरी PPT नहीं है, ये स्क्रीनशॉट लिया गया PPT का जहां पे इसे पढ़ाया गया था, ये मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर में डिलीवर किया था और ये आपके YouTube पे ही किया हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेट ये वो, जो MP वाली बात थी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सबसे पहले MP है, सेकेंड फिर राजस्थान। आगे चलता हूं, अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम द लोन क्राइटेरिया इज, अगर किसान क्रेडिट कार्ड लेना है तो लोन क्राइटेरिया क्या है? 5 years लोन, लोन फॉर ज्वेल या फिर ज्वेलरी, लोन फॉर क्रॉप ग्रोइंग एंड अदर एलाइड एक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर, लोन फॉर एलाइड एक्टिविटी ओनली, या फिर नन ऑफ दीज। इसको तो जब जब KCC की बात होती है बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? बिकॉज 2017-18 के बजट में जो चेंजेस हुए उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया, किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज को एक्सटेंड कर दिया गया। उससे पहले ओनली क्रॉप ग्रोइंग फार्मर्स को मिलती थी, लेकिन अब किसको मिलेगी? अब क्रॉप ग्रोइंग के साथ साथ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को मिल जाएंगी। तो इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, इजिली हर जगह ये कवर हो जाता है। सोर्स मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ऑनलाइन कोर्स उसमें है भी कि नहीं ये भी आप वेरीफाई कीजिए। और जो फोटो मैंने यहां पे लगाई है, किसी फोटो में डाउट आ जाएगा सर ये तो आपके कोर्स में है ही नहीं, तो dkvadhwa1@gmail.com मेरी मेल आईडी है, मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको सोर्स में लोकेशन बता दूंगा कि कौन से कोर्स के अंदर, किस लोकेशन के अंदर ये वाला ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है। आगे चलता हूं,
विच फर्टिलाइजर गिव्स न्यूट्रल इफेक्ट, सारे लोग जानते हैं है ना, न्यूट्रल की बात करेंगे जो सब किसान खाद या फिर कैल्शियमोनियम नाइट्रेट, आप सब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, कैन जो है वो न्यूट्रल इफेक्ट देता है, आप देख सकते हैं नोट्स का पार्ट है ये, वहां से स्क्रीनशॉट लिया गया, वहां पे कवर किया गया था। आगे चलता हूं, विच सोयल हैज हाई वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी विद द पुअर ड्रेनेज, ये भी आपको पता है, ये वाला क्वेश्चन जो है 2018 में आरआरबी ने पूछा था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा था, इस बार थोड़ा अलग तरीके से पूछा, लेकिन बात फिर से वही आ जाती है, राइट आंसर आप जानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्ले होता है, सब लोग जानते हैं ना यार, मुझे आई थिंक एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, बिकॉज जो बच्चा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एनालिसिस देख रहा है ना तो वो छोटी मोटी बातें तो जानता है, पढ़ाने की बारी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी पढ़ाने का नहीं, अभी आंसर डिस्कशन का टाइम है, तो नहीं बताऊंगा कि ब्लैक सॉइल में क्ले ज्यादा होता है, कंपैक्शन ज्यादा होता है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, नर्सरी के लिए सूटेबल नहीं होती है, वो सब बातें भी करूंगा, लेकिन हाल फिलहाल आंसर्स के साथ चलेंगे। आपके सामने है जहां पे ये लिखा गया था आपका जो नोट्स वाला पार्ट है, आगे चलता हूं। आगे बोला गया, अ फर्टिलाइजर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्युलर इंस्टेड ऑफ वॉटर फॉर्म, थोड़ी सी लैंग्वेज में डाउट है कि इस तरीके की लैंग्वेज नहीं रही होगी, कुछ और रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने बताया तो आंसर शुड बी ग्रेनुलर फर्टिलाइजर, थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज सीधा सीधा ऐसे नहीं आना चाहिए, कुछ लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, अगर होगा तो आप कमेंट में, यहां पे लाइव वाले कमेंट्स में नहीं, नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां लिखिएगा जो जो करेक्शंस होंगे या जो जो आंसर कुछ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वो भी है जिनके आंसर मुझे नहीं पता, बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाया हूं क्या पूछा गया था, तो अगर समझ आ जाएगा तो टॉप का मैसेज पिन कर दूंगा, उस पिन मैसेज के अंदर चेक कर लीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा, जिसका आंसर आज नहीं बट इसका आंसर ग्रेनुलर फर्टिलाइजर आएगा, जितना लैंग्वेज के अंदर क्लियर है, नोट्स का स्क्रीनशॉट आपके सामने जहां हमने इसे कवर किया। आगे चलता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इसमें कोई क्वेश्चन जैसा नहीं था, इजी है, हाईएस्ट किस में होता है, लोएस्ट किस में होता है, हाईएस्ट कौन से कॉमन फर्टिलाइजर में होता है, ये सब बातें इजी है, अमोनियम सल्फेट आंसर आएगा, नोट्स का स्क्रीनशॉट आपके सामने है जहां पे परसेंटेज लिखा गया है कि किसके अंदर कितना कितना होता है, आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट जो आपने आंसर किया वही यहां पे आ रहा है। आगे चलता हूं, ब्लू कलर सी टैग इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग सीड, है ना, ब्लू कलर का जो टैग है वो किसके ऊपर लगा होता है, What should be the right answer? तो यहां पे आप लोग जानते हैं, easy है, ब्लू कलर की बात कर रहा है, अजर ब्लू, ब्लू बहुत बार रिपीट हुआ है क्विजेस के अंदर, आकाश सर ने क्विजेस कर, वहां पे भी नोट्स के अंदर भी हर जगह आपको मिल जाता है, तो राइट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, आप सारे लोग जानते हैं, सर्टिफाइड सीड राइट आंसर आएगा, ये टैग वाला आपका नोट्स का स्क्रीनशॉट यहां पे है कि हमने हमारे किस सोर्स से कवर किया। आगे चलता हूं, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन साइंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन Which one is established to impact vocational skill training to farmers and field level extension worker, है ना, vocational training देगा farmers को और field level extension worker को, small farmer agribusiness consortium कृषि विज्ञान केंद्र, marginal farmers and agriculture labor agent, drought prone area program या फिर none of these, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, answer KVK कृषि विज्ञान केंद्र आएगा, screenshot मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे question as it is लिखा गया है, हाँ full form नहीं, KVK directly आंसर, मॉक टेस्ट का ये क्वेश्चन था, वहां पे ये मतलब हमने डाला हुआ था। आगे चलता हूं, टिलेज इज कंपलसरी फॉर द सोयल फिजिकल कंडीशन इन विच टाइप ऑफ टिलेज लेस देन 15% क्रॉप रेजिड्यू इज लेफ्ट ऑन द सोयल सरफेस, देखो 0 to 15 या फिर लेस देन 15 बोल दो तो आंसर वहां पे क्या आएगा, आंसर कन्वेंशनल आएगा, 15 से 30 बोला होता तो रेड्यूस आ जाता और 30 से ऊपर बोला होता तो फिर वहां पे कंजर्वेशन टिलेज आ जाता, यहां 15 से कम बोला है तो आंसर आपने सबने बता ही दिया क्या आएगा, कन्वेंशनल। ये सोर्स की फोटो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, छोटे छोटे लगाए बट देखिए पीछे लोगों आपको दिख रहा होगा, मैंने उतना सा ही काटा जितना सा क्वेश्चन के अंदर था, ये हमारे कोर्स में कवर हुआ। आगे चलता हूं, क्रॉप सीड हैव टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स SMR एंड SRP सीड, है ना, ये क्या हो गया आपका सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो और आपका वो सीड रिप्लेसमेंट रेट, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज लीस्ट SMR, लीस्ट और हाईएस्ट आप लोग समझते हैं, सबसे कम सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो जो है वो किसका होता है, इज इट बाजरा, रेड ग्राम, ग्राउंडनट पैडी या फिर वीट, क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या आएगा, ऑफकोर्स हियर द राइट आंसर विल बी ग्राउंडनट, सोर्स की फोटो आपके सामने जहां पे हमने इसे कवर किया, इवन मैं आपको बता दूं ये फ्री मैगजीन में भी ये वाला कवर था, हाँ हालांकि काफी सारे कवर थे मैंने लिखा भी ऊपर, लेकिन मैंने शुरू में आपको बता दिया 21 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 पेजेस हमने यहाँ पे कवर किए है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर इन द सॉयल लिटरली विद फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन सैचुरेटेड सॉयल विद इन द सॉयल इज नोन एज। क्या बोला गया? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वॉटर इन द सॉयल लिटरली विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नीचे जा रहा है ग्रेविटी कारण जा रहा है। तो भैया नीचे ग्रेविटी का मतलब परकोलेशन, बिकॉज अगर सीधा एंट्री बोलता कि एंटर कर रहा है फर्स्ट वहां पे एंट्री कर रहा है तो दैट विल बी इनफिल्ट्रेशन, लेकिन एंट्री नहीं कर रहा वो ग्राउंड वाटर जो ग्रेविटी है जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण नीचे जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? परकोलेशन। सोयल साइंस का लेक्चर मेरा सुनिएगा, ये मैंने यूट्यूब पे फ्री भी डिलीवर किया हुआ है, वहां पे परकोलेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, सीपेज क्या होता है, या फिर लीचिंग क्या होता है, या फिर एल्यूविएशन क्या होता है, या फिर इल्यूविएशन क्या होता है, ये सारे टर्म को वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। हाल फिलहाल आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलता हूं, सोर्स का फोटो आपके सामने जहां पे किया गया था, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना The premium percentage to be paid by the farmer of total cost for kharif season oil seed food grain crop, कितना आपको देना पड़ेगा premium किसके लिए? Paid by the farmer for kharif season। Easy है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। रबी होता तो 1.5, खरीफ है तो 2, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर या फिर आपकी जो कॉटन है शुगर केन है इसके केस में कितना होता है? 5%। सोर्स आपके सामने जहां पे ये दिया गया था, राइट। मैं जो जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ वो सिर्फ मेरे नोट्स के दिखा रहा हूँ, जहां जहां से भी होंगे, बाकी कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ, कुछ एक दो मैंने आईसीआर की वेबसाइट से भी लिया, लेकिन वो लास्ट में लिए हैं जब मैं बोल दूंगा कि ये वाले मैंने कवर नहीं किए। तो फिलहाल तो 39 मैंने आपको बताया कवर किया, तो 39 तक स्क्रीनशॉट वो है जो मेरे नोट से है या फिर टेस्ट सीरीज से है या पीपीटी से है, लेकिन ओवरऑल कंटेंट में से है। आगे चलता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज रेगुलेटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्ट मार्केट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कौन कवर करता है, कौन रेगुलेट करता है? एपीएमसी एक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर मार्क एक्ट 1937, या फिर एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, या फिर फूड एक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। पेपर के 2 दिन पहले ही करंट अफेयर्स का लेक्चर था, वहां पर इसे कवर किया था, है ना। अब फिर से कोई लिखेगा ये तो जनरल एग्री की बुक में भी आता है, तो प्लीज दिखाइएगा ये वाला कौन सी बुक में लिखा हुआ है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं यार कि हम लोग बहुत तीर मार लेते हैं, हम लोग भी आपके जैसे ही काम करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं, बट मेहनत करें कोई ऐसे लिख देते हैं ना फिर थोड़ा सा अजीब लग जाता है, फिर मैं पकड़ लेता हूं उसको, है ना। मैं रिप्लाई भी कर देता हूं, आजकल मैंने एक नया बंदा हायर किया, उसको मैंने लिखा है कि कुछ नहीं करना, जो कुछ लिखे ना उसको इंस्टेंट रिप्लाई करके दिखा बेटे। तो वो बोल रहा था कि सर ऐसे ऐसे, कि मैंने कर दे रिप्लाई, उसने लिखा वहां पे कि बता भाई 80 पेज के अंदर 21 क्वेश्चन किसने कवर किया, बिकॉज उसने ऐसे जनरल की बात कर दी। तो ये भी जनरल वनरल में कवर नहीं होता, लेकिन 2 दिन पहले करंट अफेयर्स का चेक कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं किया होगा ये उसी 2 दिन पहले जो लेक्चर डिलीवर किया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे अवेलेबल है, चेक करिएगा है कि नहीं है। व्हाट इज द लैंड होल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे छोटी कैटेगरी ही मार्जिनल फार्मर है। पेज नंबर 13 पे जो 10 क्वेश्चन आया ना, उस 10 में से एक क्वेश्चन ये भी था, लास्ट मिनट नोट्स में से लिया गया, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहां पे लगा दिया है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट आर हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन इंडिया, है ना। जब बात करें किसकी, आपके किसकी एग्रोक्लाइमेटिक जोन की, तो इंडिया में कितने राइट आंसर बताइए। ओके, अभिलाष देशमुख जी ने कुछ लिखा है, मैं इसे भी यही के यही क्लियर करना चाहूंगा। अभिलाष देशमुख जी कहते हैं कि आपके नोट्स में भी गलत लिखा है, वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आएगा एफओ की वेबसाइट पर, एज इट इज क्वेश्चन की लैंग्वेज में आर्टिकल है। सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एफओ से IBPS कभी क्वेश्चन नहीं लेता, नेवर, कभी भी नहीं लेगा सर, उससे ऑथेंटिक सोर्स लेने पड़ेंगे और वो इंडियन सोर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। एफओ की वेबसाइट मैटर नहीं करती, आई एम रियली सॉरी माय डियर फ्रेंड, एफओ नहीं वहां पे आएगा, वहां पे करंट की सिचुएशन इंडिया में जो चल रही है उसकी बात की जाएगी। एफओ के आर्टिकल्स 10-10 साल पुराने होते हैं सर, एफओ वर्ल्ड लेवल कवर करता है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेंसस 5 साल बाद होता है, लेकिन एफओ करवाता है वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस 10 साल के बाद, तो वहां 10-10 साल पुराने आर्टिकल होते हैं। तो सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए प्लीज मत बोलिए और समझदार बनिए, मैंने आपको पहले ही बोला, मेरा भी गलत हुआ होता तो मेरा भी दिल तो कहता कि यार यही सही उत्तर है, लेकिन दिमाग को समझाइए, लिखे लुखे के चक्रों में क्यों पड़ रहे हो, सीधी बात बताओ ना यार। प्राइस वोलेटिलिटी, प्राइसेस का अप्स एंड डाउन होना, एमएसपी नहीं मिलता,
कम प्राइस होता है, फार्मर को नुकसान होता है, क्या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कवर कर पाती है? भाई साहब सब लोग बताएं अभिलाष देशमुख जी को कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या प्राइस वोलेटिलिटी आप कवर कर लेंगे क्या, कि भाई प्राइस अगर मार्केट में कम हो गया तो पता चला अच्छा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से आए हो तो ये लो फिर लेके जाओ, तुम्हें रेट ज्यादा देंगे बाकी को कम देंगे, ऐसा होता है क्या? प्लीज आप लोग बताइए, अभिलाष जी का डाउट भी क्लियर हो जाए। अभिलाष जी ने फिर से कुछ लिखा है, एज इट इज क्वेश्चन पैटर्न करी है कि नहीं 2016 में आर्टिकल यार आप तो लिखने भी कुछ और लग गए यार, और पोटैटो वाला क्वेश्चन 2012, ठीक है 2012 तो ठीक है, मैं 2012 की बात, आप पोटैटो वाला जो बोल रहे हैं वो बाद में बात करेंगे है ना, उसकी नहीं, फिलहाल इसकी बात कीजिए, आपके सामने है, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ लेकिन सब लोग तो गलत नहीं बोल रहे भाई साहब। और लॉजिकल बात है यार, किस बात के लिए बहस कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स मतलब ओपन सोर्स है तो दैट मीन्स हम शुरू हो जाएंगे, हम रुकेंगे ही नहीं। अरे सर वोलेटिलिटी कैसे कवर करेगा यार, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आप क्योंकि आपका गलत हो गया, इसलिए नंबर काउंट कीजिएगा आप समझ जाएंगे, वो नंबर नहीं मिलने वाला आपको अगर आपने जीरो बजट किया तो। क्यों यार मतलब ऐसे बच्चों वाले काम नहीं करने चाहिए, प्राइस वोलेटिलाइजेशन नहीं कर सकता यार, वो ओनली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है और कोई नहीं करता, और कोई भी नहीं करता, कुछ भी जोर मार लीजिए प्राइस वोलेटिलिटी के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ जाना पड़ेगा और कोई कवर नहीं कर सकता। दैट्स इट, मैं आगे चलूंगा क्योंकि ये भाई साहब तो नहीं मानेंगे बिकॉज दिल है कि मानता नहीं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे, वो इंडिया में क्या है, वो इंडिया में 15 टोटल है। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो यार अब क्या सोर्स दिखाना है ना, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, सब लोगों ने सही किए होंगे। Which banana plant give bunchy and stunting growth on the plant and chlorosis plus streaks on the lower portion of the leaf midrib and later the secondary veins disease called Morse code is called, है ना, बस सीधा सीधा हिंट दे दिया, अब पढ़ा है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, लिखिए आप यहां पे राइट आंसर क्या आएगा। चलिए आगे चलते हैं, नीलेश शिंदी जी ने भी अपना मैसेज डिलीट कर दिया, मैं पढ़ ही रहा था, उन्होंने बोला फिजूल की बात कर रहे हैं, वो भी वही वाली बात कर रहे हैं देशमुख साहब वाली, बट उनको लगा कि अच्छा वोलेटिलिटी कवर नहीं करता, तो कोई बात नहीं नीलेश शिंदे जी, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से किया कीजिए, गर्म दिमाग से आंसर नहीं होते, ठंडे दिमाग से होते हैं, सिलेक्शन भी ठंडे दिमाग से होते हैं, यूट्यूब पे सब कुछ अलाउड है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वहां कुछ भी करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से चलिए, जरूरी नहीं है कि हर बार चीजों को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तरीकों को चीजों को ना मैच्योरली डील कीजिए, बिकॉज पेपर में एज अगर 18 प्लस मांगी है ना, इसीलिए बच्चों को पेपर नहीं देने देते हैं कि बच्चों जैसे काम नहीं मैच्योर जैसे काम करें, तो प्राइस वोलेटिलिटी प्राइस रिस्क कंफर्म कर देता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आंसर। आगे चलता हूं, यहां पे आप लोगों ने आंसर बता दिया है और ये भी आपके लास्ट मिनट नोट्स में था, वहां से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया, बट मोर्स कोड आ गया तो आप जानते हैं बंची टॉप का नाम आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चलता हूं, बोला गया नेम ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द मैंगो वेयर फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड लुक्स नॉर्मल बट इनसाइड पैच फ्लैश बिकम स्पॉन्जी येलो और सॉर, स्पॉन्जी हो जाता है, क्या आएगा इसका राइट आंसर? आसान सा क्वेश्चन है। ओके सो राइट आंसर की बात करते हैं, कोई कह रहा है सर वो पीडीएफ एक बार फिर से सेंड कर दो, नहीं जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आई थिंक मैंने कल ही तो शेयर किया वो, तो मिल जाएगी आपको, मैं एक काम करता हूं मैं उस मैसेज को पिन करवा देता हूं है ना, तो उससे क्या आप टेलीग्राम पे जाइए सबसे टॉप पे आपको दिख जाएगा, अभी बोल देता हूं, एक्सक्यूज मी मैंने कल एक मैगजीन शेयर किया है उसको पिन कर दो टेलीग्राम पे, ठीक है सर पिन हो जाएगी डोंट वरी। चलिए ये आपने बता ही दिया क्योंकि इसने क्या ही दिया स्पॉन्जी हो जाता है, तो स्पॉन्जी टिश्यू काफी फेमस सा है, और ये भी हमने लास्ट मिनट नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ था और बाकी नोट्स का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पे लगाया हुआ है। Which of the following scheme is related to organic farming in the country? इनमें से कौन सी है जो इंडिया में रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, या फिर पीएम किसान PKSVY, या फिर आपका पीएम किसान संपदा योजना, इजी है ना राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलता हूं, ये वाला मैंने YouTube क्लास में और लास्ट मिनट नोट दोनों जगह पे कवर किया हुआ था, स्क्रीनशॉट आपके सामने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्कीम टू क्रिएट गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, किसकी बात कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, टू अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स
एग्रीकल्चर डिप्लोमा होल्डर, इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट विद अ पीजी इन एग्री रिलेटेड कोर्सेस। भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देगा, मतलब कुछ ऐसा देंगे जिससे खुद का रोजगार आप जनरेट कर सके, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग मेरे से भी आगे हैं, आपने फटाफट से आंसर लिख दिया है ACABC, है ना। ACABC का मतलब क्या होता है आयुष जी, है ना। ACABC का मतलब क्या होता है कि एक वो स्कीम जो बनी है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, आपको कुछ ना कुछ इसमें लोन और सब्सिडी दोनों ही मिलता है ना। हाँ, सब्सिडी 36 और 44 की, जबकि लोन 20 लाख तक आपको मिल जाता है। इसका बेनिफिट लेके आप अपने तरीके से कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन कि आप एग्रीकल्चर फील्ड से होने चाहिए। आपने राइट आंसर दिया है, सोर्स की फोटो में लगाई जहां पे हमने कवर किया, चेक आप कर सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करिए, वेरीफाई कीजिए कि बंदा जो यूट्यूब पे खुल के बोल दे रहा है क्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ना। क्योंकि बोलूंगा हाईएस्ट सिलेक्शन वाली बात भी, बिकॉज इतना सा तो कॉन्फिडेंस है कि लोग बहुत मेहनती हैं, और मेहनत अगर हमने और आपने मिलके किया तो सिलेक्शन भी होगा। लेकिन पहले वेरीफाई करना कि क्वेश्चंस अगर आए इनके सोर्स से तो सिलेक्शन भी हो ही जाएंगे, नहीं आए तो फिर गड़बड़ है ना। तो देखिए, हमने 21 क्वेश्चन उनको दे दिए थे 5 दिन पहले ही, बाकी वो अलग बात है कि बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन सब लोगों ने पढ़े भी नहीं होंगे, है ना। आगे चलता हूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स इज अनाउंस्ड बाय, अगर रिकमेंडेड बोलता, कैलकुलेशन की बात करता तो हम CACP पे जाते, बट कहानी खत्म कर दिया, अनाउंसमेंट की बात कर दिया। आंसर आप लिख दो यार, पहले आपका आंसर देखता हूं फिर मेरा बता दूंगा क्या आएगा। ओके, सो राइट आंसर की बात करते हैं। यहां पे सब लोग जानते हैं कि CACP आंसर करते अगर रिकमेंडेशन और कैलकुलेशन बोलता, लेकिन वो नहीं बोला तो फिर हम आंसर क्या करेंगे, आंसर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे चलता हूं, यहां पे ये लिखा हुआ था, सोर्स मेरे सामने लगा दिया। विच सिल्क इज नोन एज गोल्डन ट्रेजर ऑफ आसाम, है ना, कौन सा सिल्क है जिसको गोल्डन ट्रेजर ऑफ आसाम के नाम से जाना जाता है, मलबरी, तसर, मूगा, एरी या फिर नन ऑफ दीज। क्या ये वाला क्वेश्चन भी किसी जनरल एग्री की बुक में कवर है क्या, मतलब मुझे नहीं पता, मैं बुक्स को प्रेफर नहीं करता हूं। मैंने 2016 में अपने नोट्स बनाए थे, उसके बाद मैं हर साल अपने नोट्स को रिफाइन करता हूं। 17-18 मैंने अभी रिसेंटली हमारे नोट्स का 6th edition लॉन्च किया है ना, ये वाली 6th edition है ये हमारा, तो 8 books हमने दी है, तो मैं बाकी नहीं देखता हूं, लेकिन अपने सोर्स को पेपर के पैटर्न अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता जाता हूं। तो हो सकता है कि किसी बुक में हो, बड़ा हाँ ठीक है, आप हमारी मैगजीन के लिख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसका राइट आंसर मूगा सिल्क आएगा, एंड हाँ हमारी मैगजीन में सीधा सीधा ये लिखा गया था। आप चाहें तो लास्ट मिनट नोट्स वाली फ्री मैगजीन को चेक कर सकते हैं, वहां पे एज इट इज ये वाली लाइन लिखी हुई है। आगे चलता हूं। अ कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू प्लांट्स एंड इट रिस्पोंड विद इट्स फ्लावरिंग इज रेफर्ड एज, इजी क्वेश्चन था ये, रीजन इज कोल्ड ट्रीटमेंट की बात की थी, चिलिंग की बात करें, कोल्ड ट्रीटमेंट की बात करें, विंटर की बात करें, तो आप जानते हैं आंसर यहां पे क्या आना चाहिए। आप सब लोग फटाफट से लिख रहे हैं और सब लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, इट शुड बी वर्नेलाइजेशन, है ना। हाँ, जो रबी क्रॉप्स है हमारी, जो विंटर क्रॉप है उनके अंदर भी होता है यही वाला, लेकिन हाल फिलहाल इसने विंटर की बात नहीं कोल्ड की बात कर दी, तो कोल्ड बोलो विंटर बोलो रिलेट ही होता है। अभी देखिए विंटर आएगा फिर कोल्ड भी आएगा, है ना। ना ना वो वाला कोल्ड नहीं बोल रहा मैं, ठंड वाला कोल्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये आपको लास्ट मिनट नहीं जनरल एग्री के नोट्स में है सर, ये वर्नेलाइजेशन और चिलिंग सामने लिखा हुआ है। चाहे तो हमारे जनरल एग्री के नोट्स एक्सप्लोर कीजिएगा, ऑनलाइन में जनरल एग्रीकल्चर नाम से ही है, और अगर प्रिंटेड बुक्स आपने ली होगी तो उसमें जो हमारी 8th नंबर बुक है एग्जाम बूस्टर के नाम से, उसके शुरू के 40 पेज हमारे जनरल एग्री के दिए हुए, वहां से आप वेरीफाई कीजिएगा। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लीगल एंटिटी फोन बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर, जैसे कि फार्मर है, मिल्क प्रोड्यूसर है, फिशरमैन है, विच कैन बी प्रोड्यूसर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर एनी लीगल फर्म विच प्रोवाइड शेयरिंग प्रॉफिट अमंग द मेंबर इज नोन एज। तो भाई साहब देखो यार, उन्होंने क्या कर दिया, प्रोड्यूसर्स की कमेटी बना दिया, प्रोड्यूसर्स का ग्रुप बना दिया। प्रोड्यूसर के ग्रुप की बात करेंगे तो कौन है, यहां पे इसने बोला फार्मर, यहां पे इसने बोला प्रोड्यूसर, और यहां ये बोल रहा है क्या ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सोसाइटी बोल रहा है। खैर, तो FPO की बात यहां पे करना चाह रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करना चाह रहा है। राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर विल बी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले दिन ये वाला स्क्रीनशॉट डाला था ना 13 नंबर पेज वाला, तो किसी का मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, बोला वहां पे आपने नोट्स में बोला कि 7 क्वेश्चन एक पेज है, बट 7 नहीं सर 6 आया। मैंने कहा क्यों, बोला FPO वाला तो क्वेश्चन आया ही नहीं था। वो प्यारे भाई साहब राजस्थान से थे, बीकानेर से,
मेरे ही होम टाउन के साथ है। फिर मैंने उनको बताया कि बेटा एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बट सेम टाइम पे उसे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। और इवन आपको पता होगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। अगर उनका टर्नओवर 3 से 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा ना, फिर भैया इसको भी हटाना पड़ेगा, फिर एफपीओ नहीं, फिर वो एफपीसी बन जाता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाता है। तो गंगाधरी शक्तिमान है, इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना सीधा सीधा यार। ऐसा ना हो कि गंगाधर ना के शक्तिमान है और तुम उसे गलत कर दो, तो इन बातों को भी समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट भी है, आराम से देख भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। फिलहाल मैं आगे चलता हूं। ये आपका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसने बोला कि मैगजीन में तो एफपीओ लिखा हुआ है, तो मैंने कहा ये वाला तो अपना वैलिड नहीं रहा, क्योंकि बीकानेर के बंदे ने बोला, राजस्थान के बच्चे, वैसे भी राजस्थान है, रॉयल प्लेस है। तो फिर मैंने वो स्क्रीनशॉट हटाया और मैंने ये वाला डाला। चेक करिएगा, ये हमारे मॉक टेस्ट का है, ये देख लीजिए सर। लीगल एंटिटी, प्रोड्यूसर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर ये टेस्ट के अंदर एज इट इज दिया गया था। और अगर आपको डाउट हो कि सर कौन से टेस्ट में मुझे वेरीफाई करना है, तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं नहीं लिखूंगा, खैर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, आप लोग रिप्लाई कर देना कि कौन से पेपर के अंदर, क्योंकि मैंने तो ये मेरे टेस्ट से स्क्रीनशॉट लिया और कहीं से नहीं लिया। नीचे डिटेल भी दिया गया है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब पीओ इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर फार्मर, ये वो, तो जो यहां लिखा है वही पेपर के अंदर लिखा गया था एज इट इज। वेरीफाई करिएगा, उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर एनिमेशन गड़बड़ कर गया है। इन ब्रीडिंग F2 मेथड क्रॉसिंग ऑफ एनिमल बैक टू इट्स प्योर पेरेंट विल बी नोन एज, तो भाई सब क्रॉस ब्रीड का आपने उसकी पेरेंटल ब्रीड से फिर से क्रॉस करवा दिया। हालांकि आंसर सामने नहीं दिख रहा, बट मुझे विश्वास है कि आप राइट आंसर बिल्कुल मुझे बता देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ओके, सो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आपका नाम है रहगीर, शायद ऐसा कुछ। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरीके से आप लिख रहे हैं, है ना, कि मेरे पास भी सारी बुक है, मैं बोल सकता इसमें समझा नहीं हूँ। अगर आपको डाउट हो, मैं लाइव हूँ सर, कैमरे से हटूंगा नहीं, है ना। फिलहाल एक ही किताब यहाँ रखी हुई है, अगर लग रहा हो कि सर ये वाला कहाँ पे है, जो भी डाउट हो बता देना, मैं किताबें मंगवा लूंगा अभी के अभी, डिस्कशन के बाद सब अभी दिखा दूंगा, क्योंकि हो सकता है कल अगर दिखाऊं तो मैं किताबें प्रिंट भी करवा लूं कल तक कि ये देखो मेरी किताब में था, तो आज क्लियर कर लेना। तो मैं समझ नहीं पाया, किसी को डाउट है तो मैंने पहले बोला यू आर अलाउड, आप पूछिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं है ना, मेल करने में तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है बिकॉज आइडेंटिफिकेशन आता है, बट अभी मत लिखिए, लास्ट में, फिलहाल डिस्कस हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे सर उसने क्रॉस ब्रीड की बात करी, क्रॉस ब्रीड को आपने पेरेंटल ब्रीड से क्रॉस करवा दिया है, बैक क्रॉसिंग इसे बोलते हैं यार, क्या दिक्कत वाली बात है। तो राइट आंसर यहाँ बैक क्रॉसिंग आ जाएगा। नोट्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे जहाँ पे इसे लिखा गया था। आगे चलता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम Intended to be sustainable and self-sufficient, है ना? आपने क्या कर दिया, एक ऐसा ecosystem बना दिया जो sustainable है, मतलब नेचर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लंबे समय तक चलेगा, साथ साथ आपको भी प्रोडक्शन अच्छा खासा देगा, मतलब self-sufficient भी आपको बनाएगा। तो क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या आएगा? ओके सो राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पे राइट आंसर परमा कल्चर आएगा। आंसर देख सकते हैं, ये हमारी पीपीटी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे, परमा कल्चर या फिर पोली कल्चर या फिर इसे क्या बोला जाता है, परमानेंट एग्रीकल्चर, ये सस्टेनेबल वर्ड आपके सामने है। इकोलॉजिकल वर्ड उसने बोला था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। इकोलॉजिकल साउंड वे ये क्रिएट करता है, आपके सामने ये भी लिखा गया है। आगे चलते हैं सर, है ना। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट बोला गया The farming system where crops and livestock form synergy या फिर synergetic effect with recycling allow maximum use of available resources is known as, घुमा फिरा के कह रहा है कि जो waste होगा ना उसको भी use कर लो, एक enterprise है उसको दूसरे से जोड़ लो, आपस में connect कर दो। तो जब आपस में connect कर दिया तो उसका right answer क्या आएगा, लिखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सही उत्तर इसका क्या आना चाहिए। ओके, सो राइट आंसर की जब बात करते हैं तो सर विदाउट एनी डाउट इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी आई एफ एस। व्हाट इज आई एफ एस?
अच्छा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, नहीं, अभी आईएफएस नहीं, फिलहाल अपना एएफओ है ना, और एएफओ में इट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड ऑप्शन के साथ जाएंगे तो बी विल बी द राइट आंसर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर यही किया जाता है ना, मिक्स फार्मिंग के अंदर तो दो एंटरप्राइज को मिक्स करते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड के अंदर मिक्स नहीं, उसको आपस में कनेक्ट किया जाता है कि अगर गाय की गोबर है तो गोबर से एफवाईएम या फिर गोबर से मैंने वर्मी कंपोस्ट बना के खेत में यूज किया और खेत से फोडर प्रोडक्शन लेके मेरे एनिमल को खिलाया, वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो जाएगा। ये अब इसके लिए तो क्या यार सोच लगा है ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग तो भाई साहब ये सबसे पहला हमारा एक डेमो लेक्चर होता है, फ्री में हम देते हैं सभी को, वहां भी बता दिया जाता है कि इंटीग्रेटेड क्या होता है, डाइवर्सिफाइड क्या होता है, मिक्स क्या होता है और ये सब बातें। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला गया, नेक्स्ट तो जबरदस्त क्वेश्चन है ना, आप सबके लिए धमाकेदार क्वेश्चन बोला गया, हाई इनपुट कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड अनस्टेबल। एक काम कीजिएगा, जेन्युइन डिस्कशन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि जब क्लास में पढ़ाया गया था ना बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। क्यों हुआ था कि सर अगर आप बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो ये बताइए इनपुट कॉस्ट कम कैसे होगा, वो तो जीरो बजट में ही होता है, तो डिस्कशन करेंगे अपने। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, हाई इनपुट कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड अनस्टेबल मार्केट। ये देखिए सर सबसे बड़ी जो आपकी एक हिंट है, अनस्टेबल मार्केट फेसिंग बाय द फार्मर विच रिजल्ट इन द ह्यूज लॉस। क्यों हो रहे लॉस, बिकॉज मार्केट से प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा, एंड डेटनेस टू द फार्मर टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम विच ऑफ द फार्मिंग सिस्टम विल बी मोस्ट रिकमेंडेड। आंसर लिखने से पहले यस नो लिखिए, क्या इसकी लैंग्वेज यही थी, बिकॉज मैंने ये लैंग्वेज प्रिपेयर करवाई है ना, तो मेरा वो जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का वहां पे बहुत सारी बातें करने के बाद लगवा कर लिखवाई है कि क्या यही लैंग्वेज थी। एक बार यस और नो बताओ, क्या इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, अगर पूछा गया था तो अपने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसका राइट आंसर आने वाला है। आप लोग बोल रहे हैं हाँ क्वेश्चन यही आया था, मैं आपको बताता हूं, पहले तो मेरा पॉइंट फिर आपका जो डाउट है मैं खुद ही ले लूंगा। अनस्टेबल मार्केट, देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अनस्टेबल एनवायरनमेंट, अनस्टेबल सोयल, अनस्टेबल इनपुट, अनस्टेबल सप्लाई ऑफ इनपुट, इन सब पे काम कर सकता है, लेकिन अनस्टेबल मार्केट पे काम नहीं कर सकता, बिकॉज उसके बस की बात ही नहीं है कि वो मार्केट की जो स्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल कर पाए या फिर अनस्टेबिलिटी कंट्रोल कर पाए। तो अनस्टेबिलिटी की बात करोगे तो आंसर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किया है तो दिल है कि मानता नहीं। अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर ये तो मान लिया, लेकिन हाई इनपुट कॉस्ट इसे कैसे कम करोगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये तो कम नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से उत्तर गलत हुआ है ना, बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी ठीक है। तो सर होता क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं होता कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता है कि कंपनी आईटीसी कॉन्ट्रैक्ट करती है बहुत बार कि सीड तुम्हें मैं दूंगी, तुम ग्रो करो मुझे इस रेट पे दे दो। तो सर वो जो हाई कॉस्ट इनपुट्स है ना कंपनी प्रोवाइड करती है। देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीन टाइप होते हैं, इकोनॉमिक्स अंदर पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, नहीं पढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, छोटा सा एक वर्ड डाल दूंगा मैं, शॉर्ट्स डाल दूंगा एक मिनट का, वहां बता दूंगा कौन कौन से टाइप होते हैं। लेकिन सर एक टाइप ऐसा भी होता है जहां पे सारे इनपुट्स कंपनी देती है, तो अगर कंपनी ने इनपुट दे दिए तो से यस और नो, क्या हाई इनपुट कॉस्ट वाला खर्चा हमारा बच गया, यस और नो। उसके बाद अगर उसने फिक्स प्राइस पे डील कर ली कि पोटैटो जो है मैं 5 रुपए किलो आपसे ले लूंगी मार्केट, आपके प्रोडक्शन के बाद, अब मार्केट में हो 2 रुपए किलो, मार्केट में हो 200 रुपए किलो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा आलू 5 रुपए किलो बिकने वाला है, तो मेरा अनस्टेबल मार्केट वाली कंडीशन भी रिकवर होगी, हाई इनपुट कॉस्ट मेरा कम हो गया। सो राइट आंसर यहां पर क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। 30 सेकंड के लिए रुकूंगा, अगर अब लग रहा है कि कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए, और अगर ये बोलने वाले हैं कि सर लैंग्वेज थोड़ी कुछ और थी तो थोड़ी और मत बोलिए, लैंग्वेज लिखिए फिर, क्योंकि मैंने तो 10-15 लोगों से डिस्कस करके लिख दी, अगर थोड़ी और थी तो लिखिए ना थोड़ी और, ऐसा क्यों लिख रहे थोड़ी और थी, थोड़ा सा जोड़ दो यार, क्या दिक्कत वाली बात है, बिकॉज दिस इज वेरी इजी टू से कि थोड़ी और थी, तो घुसा थोड़ी और फिर देख लेते हैं कितनी और थी, है ना। सर आई थॉट योर कंप्लीट नोट्स कोर्स बट इन दैट ओनली 5th edition नोट्स आर अवेलेबल इंस्टेड ऑफ 6th edition, प्लीज टेल मी हाउ विल आई गेट 6th edition नोट्स। ओके योर नेम इज श्रीतमा, ओके श्रीतमा मैम प्लीज चेक योर कोर्स केयरफुली, देर इज अ सेपरेट फोल्डर विद द नेम 6th edition नोट्स, इन दैट वी हैव एडेड ऑल द 8 books ऑफ 6th edition, स्टिल यू आर अनेबल टू फाइंड, सो सिंपली कॉन्टेक्ट टू आर हेल्पलाइन नंबर, इवन यू कैन कॉन्टेक्ट टिल नाउ बिकॉज 9 to 6 आर वर्किंग आवर्स, so just call them, they will tell you where the 6th edition notes are located in your particular course, no doubt, है ना। okay
किसने रवि जी ने लिखा है क्वेश्चन रॉन्ग, तो रवि जी ऐसे मत लिखिए, मैंने पहले हिंदी भाषा के अंदर बताया, इंग्लिश में बताता हूं, आई सेड इफ यू थिंक दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट प्रॉपर सो प्लीज राइट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू आर सेइंग इट इज रॉन्ग और देयर वाज समथिंग एल्स so you can remember it very well, so just write the question, we'll be answering here, hai na, baki koi chakkar nahi hai, bindaas chaliye, contract farming will be the right answer, baki jo kuch aayega dekha jayega, mere kehne se kuch nahi hota, farak nahi padta in sab baaton se, ye last minute notes ke andar diya gaya tha, maine aapko bata hi diya hai, aage chalta hu, bola gaya greenhouse technology is started in India during, जनरल एग्री की बुक्स में मिल तो जाता है, प्लीज मुझे बताइएगा अगर ये भी क्वेश्चन पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला बोला फिर वो सिल्क वाला बोला मैंने, ये वाला क्वेश्चन अगर किसी जनरल एग्री की बुक में मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा, तो मैं भी देखूंगा यार कि किताबों से आते हैं, और नहीं मिलेगा तो तीन क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिए जो बुक्स में नहीं थे बट हमने कवर किए, ये वाला कहां किया दिखा दूंगा आपको मैं, लेकिन हमने अगर कवर किया है तो तीन क्वेश्चन तो बहुत मैटर करते हैं सिलेक्शन में, आप भी जानते हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट प्रमोशन, प्रमोशन नहीं उतना नहीं टेंशन लेता हूं, है ना बिंदास, अपनी मेहनत करता हूं और मेहनत का रिजल्ट मुझे मिलता है, इस टाइम पे मेरा कोर्स जो है नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज 100 प्लस टेस्ट और कंप्लीट बुक्स, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, उसे 50% डिस्काउंट है, 999 पे भी 50%, 500 के अंदर चैलेंज भी कर रहा हूं टेलीग्राम पे शरेआम के लोएस्ट प्राइस, चले इससे कम कोई दे पाए आके मुझे बताइए, मैं सर आपको फ्री में दे दूंगा, है ना, ऐसा इसलिए बिकॉज ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 कोर्स है तो हाईएस्ट इनका प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस नहीं है, उस 10,000 कोर्स के अंदर सर्विसेज के नाम पे हाईएस्ट सर्विसेज हम देते हैं, अदरवाइज कोई नोट्स और टेस्ट सीरीज दे रहा हो 500 रुपए के अंदर आके मुझे बता देना कि सर 100+ टेस्ट भी है और सारे अपडेटेड नोट्स भी है, उस नोट्स में से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 39 क्वेश्चन भी आए हैं तो फिर मैं आपको फ्री में दे दूंगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे 21-22 क्वेश्चन आए हैं तो फिर वो तो है ना इजीली हो जाता है, ओके सो जब बात करेंगे ठीक है ये क्वेश्चन नबार्ड बैंक, हाँ ठीक है नबार्ड बैंक के प्रोजेक्ट में हो जाता है बुक वाली बात, तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे 1980s के अंदर स्टार्ट होती है, ये यहां मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है और एक्चुअली ये स्क्रीनशॉट जो है नबार्ड नोम्स का ही स्क्रीनशॉट है, कोई मेरे नोट्स नहीं है मतलब ये वाले मेरे ही है, एग्री कोचिंग लिखा हुआ है लेकिन कंपाइलेशन इज फ्रॉम नबार्ड नॉर्म्स ओनली, तो नबार्ड नॉर्म्स बहुत लंबा चौड़ा है उसको समराइज करके हमने डाला हुआ है, तो वहां पे लिखा गया था और कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1982 और 85 के बीच में रिसर्च बेस पे इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में, तो 1980 इज द राइट आंसर, आगे चलता हूं, है ना रजत जी कह रहे हैं 40 फ्रॉम योर नोट्स, थैंक यू सो मच, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, मैंने 39 ही निकाले हैं, बाकी 40 मिल रहे तो बहुत अच्छी बात है, मैं 39 पे रहूँगा बिकॉज मैंने 40 बोल दी तो फिर बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो जाएंगे आपका तो कोई स्टैंड ही नहीं है, इवन साइकिल पे भी स्टैंड होता है 39 से, ना 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 आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, है ना फिलहाल आगे चलता हूँ, है ना कैपेसिटी एंड साइज ऑफ द रूरल गोडाउन वेर, यार ये क्या है यार इसको मैं आंसर नहीं करूंगा, है ना ये क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है, तो इसने बोला था कि वो डिस्टेंस शुड बी मेंटेन फॉर द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, तो ये वाले क्वेश्चन पहले जब आ चुके हैं तो हम लोग डिटेल में इसे पढ़ ही लेते हैं, इन अबाउट नॉर्म्स का पार्ट था यार, कुछ बड़ा काम था नहीं, इजिली आंसर किया जा सकता, अगर आपने आंसर नहीं करा इसको तो फिर थोड़ा सा खुद को अलर्ट कीजिए, थोड़ा सा खुद को आगे लेके जाइए, बिकॉज अब इस क्वेश्चन को सर क्वेश्चन मत मानिए, इसे इजिएस्ट क्वेश्चन मानिए, बिकॉज जो चीज एग्जाम में आ चुकी है ना वो आपको करनी ही पड़ेगी अच्छे से, आगे चलते हैं, अंडर एस एम ए एम मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर विमेन बेनिफिशियरी किसके लिए, 20 HP ट्रैक्टर के लिए, मैं आपको बता दूं अगर यहां पे 35% आप बोलने वाले हैं ना तो 35% आंसर है 2016-17 वाली सब्सिडीज में, इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि अब फिर से कंफ्लिक्ट हो जाएगा, जिन लोगों ने नन ऑफ दीज नहीं किया वो लोग बोले नहीं नहीं ये तो आएगा नहीं मैंने तो पढ़ा था, तो अगर आपने 35% कहीं पढ़ा होगा ना तो वो 2016-17 वाली सब्सिडी में, लेटेस्ट जो है वो 2018 वाली सब्सिडीज है और 2018 वाली सब्सिडीज के अकॉर्डिंग राइट आंसर विल बी नन ऑफ दीज, और मानना आपको पड़ेगा कि 2018 वाली ही माननी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप सब्सिडीज को ही मान रहे हैं, वो रिपोर्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट पब्लिश करता है, तो उसकी पिछली रिपोर्ट नहीं ना, फिर उसकी करंट रिपोर्ट माननी पड़ेगी, तो 2018 वाली करंट रिपोर्ट है, 19-20 में नई रिपोर्ट नहीं आई है, उसके अकॉर्डिंग आंसर यहां पे नन ऑफ दीज आएगा, बाकी मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट लगाया है आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये तो पिछले साल की करंट अफेयर्स बुक के अंदर में हमने डाला हुआ था,
आगे चलता हूं। एनपीओपी प्रोग्राम इज रेगुलेटेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। जनरल एग्री की बुक में मिलता हो तो मुझे बताइएगा, नहीं मिलता हो तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप इस टाइम पे मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए क्या एनपीओपी और अपेडा कुछ रिलेशन आपको क्लास में डिटेल में बताया गया था क्या? अगर बताया गया था और मेरे स्टूडेंट है तभी लिखिएगा कि हाँ बताया गया है, अदरवाइज आपको बता दूं क्लास में बहुत डिटेल में बताया जाता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, बिकॉज इंडिया में ऑर्गेनिक के लिए चलता है परंपरागत कृषि विकास योजना, लेकिन अपेडा जिसको प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो है एनपीओपी, और अपेडा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में नहीं आता। अपेडा किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस बात को तो मैंने यूट्यूब पे भी बताया हुआ है ना? तो यहां पे राइट आंसर आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बाकी आप यस नो यहां पे देख सकते हैं, भेदभाव वाली नीति नहीं है, अच्छे लोग हैं जो भी आंसर कर रहे हैं। आप देखिए कोई मैंने इनको ऐसा तो नहीं है कि बिठा दिया, एक दो को तो बिठा देता कि यस यस लिखते जाना, बट ये काफी सारे लोग यस लिख रहे हैं। ये क्लास में बताता हूं मैं कि एनपीओपी क्यों बताता हूं मैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ना एनपीओपी पे क्वेश्चन 2016 के अंदर यूपीएससी ने पूछा, तो 16 नहीं आई थिंक 18 मैं भूल गया हूं, लेकिन यूपीएससी ने पूछा था, मुझे इसलिए याद है बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है भरत, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो जब भी आता है ना कुछ क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर क्वेश्चन मेरे से डिस्कस करता है, और मुझे याद भी उस भी मेरी उसकी कॉल उससे कॉल जो थी 47 मिनट्स के लिए चली, तो 47 मिनट्स की कॉल में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ, तो मैंने उसको बताया कि एनपीओपी ऐसे ऐसे है। तो एनपीओपी इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसे इंप्लीमेंट करता है अपेडा किसके लिए? ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करने के लिए, किसके लिए? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज अपेडा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है। आगे चलेंगे, उससे पहले कुछ एक कमेंट्स भी देख लेते हैं। हाँ प्रिंसिपल, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज में भी था ये, ओके ठीक है, चलो ये अच्छी अच्छी बातें आप लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका गलत हुआ वो टेंशन ना ले। देखो एक बात बताऊं मैं, करंट अफेयर्स की ऑफलाइन क्लास थी, बुरा मत मानिएगा, मैं सच्चाई बोलना पसंद करता हूँ, करंट अफेयर्स की ऑफलाइन क्लास थी, उस दिन क्या बच्चे काफी ज्यादा आए, मैंने जाते ही गुड आफ्टरनून बोल के, क्योंकि 3 बजे क्लास होती है, मैंने उनको बोला वाह क्या बात है, सबसे कम क्वेश्चन जहां से आने हैं वहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट आए हैं। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर करंट से तो बहुत क्वेश्चन आए, कौन सा करंट से आया? सब्सिडी इज नॉट द पार्ट ऑफ करंट, है ना, नबार्ड नोट्स करंट का पार्ट नहीं है, करंट से क्वेश्चन वही 2-3 जो हमेशा से आते हैं वही है, लेकिन हम ये क्लियर नहीं है करंट कहते किससे है, करंट क्या होता है, तो सब्सिडीज करंट नहीं है, नबार्ड नोम्स करंट नहीं है, हाँ वो 75 ईयर्स या फिर जो परंपरागत कृषि विकास योजना दैट इज द पार्ट ऑफ करंट, वो मानना पड़ेगा, एनपीओपी मानना पड़ेगा। तो आप मैक्सिमम ही करेंगे तो 5, तब भी 45 क्वेश्चन तो जनरल के ही है, हावी तो वही रहा। ऐसी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच बोलूंगा तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर बच्चों को बोला कि आंसर डिस्कस मत करो, सिर्फ पैटर्न डिस्कस करो कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया था और ये सोर्स थे, सोर्स डिस्कस करो, बिकॉज जिस सोर्स से क्वेश्चन उठ रहे ना वो सोर्स को पकड़ना बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। बट इतने में किसी ने रिप्लाई कर दिया, वो रिप्लाई फिर मतलब बच्चे मान भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने डिस्कशन करना बंद कर दिया, लेकिन वो रिप्लाई उन्हीं प्यारे भाई साहब ने जो बीकानेर से ना उन्होंने किया था, उन्होंने नाम भी कुछ बताया था, साई सुनील साई ऐसे कुछ बताया था भाई साहब ने, मुझे क्लेम भी किया था कुछ, मेरे पास खैर कॉल भी है उनकी, तो बोला कि पहले तो आप कहते थे सब टेस्ट को एनालाइज किया करो, इसका एनालाइजेशन आप करने के लिए मना कर रहे हो, तो आप ही गलत बोल दे रहे हो। तो आप देखिएगा यूपीएससी की परीक्षा जो देते हैं ना, यूपीएससी के स्टूडेंट को भी कहा जाता है कि फोकस एनालिसिस पे कीजिए, ओवरऑल देखिए कैसा आया, आंसर नहीं, बिकॉज अगर एक भी गलत हुआ, देखो ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसने जीरो पे नेचुरल फार्मिंग किया है, कहीं ना कहीं टेंशन आएगी ना माइंड में, यार खुद का कॉन्फिडेंस क्यों लूज करना, हम लोगों का बिजनेस है ये, तो हम लोग फटाफट से वीडियो डालेंगे बिकॉज व्यूज आएंगे तभी तो पैसा आएगा, मैं वीडियो डालना नहीं चाहता था ये वाली, सच बोलता हूं मैं पीडीएफ आपको दे देता, मैं मॉक टेस्ट भी डालता लेकिन वीडियो नहीं देता, व्हाई? बिकॉज आप एनालिसिस कर लेंगे ना तो टेंशन होती है यार कि ये गलत हो गया, नंबर कम, सिलेक्शन होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना, टेंशन लेने से भी रिजल्ट वही आएगा, टेंशन ना लेने से वही आएगा, सीधी सीधी सच सच बात बोलो तो एनालिसिस नहीं करना चाहिए। तो फिर सर आप क्यों देते हो? मजबूरी है सर, कुछ लोग मजबूर करते हैं, कुछ YouTube कहता है कि पैसे तभी दूंगा जब आप वीडियोस बनाएंगे व्यूज आएंगे, तो करना पड़ता है सर, है ना, ये क्या करें, मोह माया है, पापी पेट का सवाल है, ये सब हमें करना पड़ता है। लेकिन एक जेन्युइन एडवाइस स्टूडेंट नहीं फैमिली मेंबर मान के दे रहा हूं, अपना पेपर दीजिए, तब तक अपने एफर्ट्स लगाइए जब तक आप उस खेल में नहीं है, जिस दिन उस खेल में चले गए अपनी जी जान लगा दीजिए खेलने के लिए, आपका खेल मतलब आपका पेपर, लेकिन जब आप एक बार उस गेम को ओवर कर गए, पेपर हो गया सबमिट, अब स्टेप बैक मत कीजिए कि मैं कर क्या आया था ये और आएगा क्या, ये नहीं करना, अब अगला टारगेट कीजिए, बस जब तक पेपर नहीं हो तब तक 100%। तो इस टाइम पे मेरे हिसाब से
ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आंसर्स चेक करें, क्योंकि मैं इसे डालना चाहता हूं कहां पे, मॉक टेस्ट के फॉर्म में, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे ये वीडियोस डालनी पड़ती है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इन कामों में, सच बोलूं तो, है ना, और ना ही मुझे ये स्क्रीनशॉट देना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, बस वही है। उसने बोला कि, क्योंकि उसने बहुत बड़ी, क्या बताऊं यार, वो बोलता कि 20 ही क्वेश्चन आया है, मैंने बोला 21 तो मैगजीन से आया है, बोला एफपीओ वाला तो ऐसे धक्के से, मैंने कहा माइनस कर दे एक एफपीओ वाला, फिर भी 20 रहे ना, वो नहीं माना, तो फिर मैंने यार स्क्रीनशॉट भी लगाए, वरना मैं सीधे सीधे आंसर ही बताता आप लोगों को, लेकिन स्क्रीनशॉट भी लगाने पड़े, क्या करूं यार, है ना, मतलब आप जैसे जैसे जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बढ़ रहे हैं, ये नंबर ऑफ हेटर्स बहुत बढ़ रहे हैं यार। वीडियो स्टार्ट होती नहीं है, डिसलाइक पहले आते हैं, वैसे फर्क नहीं पड़ता डिसलाइक से, अल्टीमेटली वो भी आते हैं, व्यूज बढ़ा के जाते हैं, टेंशन उस बात की नहीं है, पैसा यूट्यूब डिसलाइक का भी दे देता है हमें, अल्टीमेटली यार किसी की मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, फिलहाल आगे चलेंगे, है ना। हाँ, डर तो होता है ना, काफी होता है यार, बहुत होता है ना, वो वाला होता है जैसे वो होता है ना कि छोड़ के चली गई, वो दर्द टूट गया, वैसे वाला होता है यार, सच में मजाक नहीं है, मतलब उसके पीछे कितनी शिद्दत से हम लगे होते हैं, एंड शी सेड नो, दिल टूट जाता है ना यार, ऐसे हर दिन दिल टूटता है यार, रात को 2 बजे जाओ आंखें लाल करके, सुबह 7 बजे उठो और कोई 3-5 कर दे तो फिर दिल पे लगती है, दिमाग पे लगती है, दिमाग पे लगे तो फर्क ही नहीं पड़ता, फिर ब्लॉक मारो उसको, बट यहाँ पे लग जाती है ना यार, फिर लगता है यार कितनी मेहनत का रिजल्ट, चलो ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, बोला गया IRRI नेशनल रिसर्च पार्टनर डेवलप गोल्डन राइस टू कंप्लीमेंट द डेफिशिएंसी ऑफ, इसमें क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस डराने के लिए यहाँ पे ये सब बातें लिख दी, इसमें गोल्डन राइस की बात कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, गोल्डन राइस बोला तो भैया आंसर क्या आएगा, है ना। हाँ अनिल जी, आप जो लिख रहे हैं मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा, शायद आपने संस्कृत में लिखा है, बट हाँ मैं समझ पा रहा हूँ आपने लिखा है, नहीं यार मुश्किल है बेटा, आपने यही लिखा है कि कर्म जैसा करेंगे फल वैसा ही मिलेगा, अपना कोई चक्कर नहीं है, तुम लोग देख लो, इससे अभी 800 लोग लाइव चल रहे हो यार, इससे बड़ा फल क्या हो सकता है, आपको पता है मैंने बताया नहीं आप लोगों को, मुझे मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिला, है ना, मुझे मेरे बर्थडे पे ना YouTube प्ले बटन दिया गया, हालांकि वो बटन 1 लाख पे मिलता है मुझे, लेकिन मैंने लिया नहीं कभी, मुझे यूट्यूब प्ले बटन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे आप लोगों में इंटरेस्ट है ना, आप लोग मेरे साथ है, प्यार आपका साथ है तो अच्छा लगता है, तो मेरे पार्टनर से मेरे लिए मंगवाया चोरी चोरी मेरे अकाउंट से, क्योंकि वो 1 लाख से ऊपर तो बहुत पहले से हो चुके हैं, तो वो मुझे दिया गया, तो मुझे लग रहा था वो जब खुश होकर फोटो खिंचवा रहे थे, थोड़ा कि तुम्हारा नहीं है ये, इन्हीं लोगों का है ना, ये लोग फॉलो ना करते तो मुझे ये मिलता नहीं था, तो आप लोगों का प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपने बता ही दिया कि वाइटामिन ए जो है वो राइट आंसर आएगा। आगे चलता हूँ, पैटर्न ऑफ असिस्टेंस फॉर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर इन द प्लेन ओपन फील्ड, है ना, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ओपन फील्ड की बात कर रहा था, 40% 30 लाख इसका आंसर आएगा, सब्सिडी वाले नोट्स में से, वो पिछले साल की करंट अफेयर्स बुक में भी दिए हुए हैं, अलग से सब्सिडीज भी दी हुई हैं, वहां से इस क्वेश्चन को पूछा गया था, आप चाहें तो बुक में से चेक कर सकते हैं कि हमने कवर किया था या नहीं। आगे चलता हूं, अब वो क्वेश्चन है जो हमने, मैं एक बार हाँ ये वाला हमने कवर नहीं किया, एक बार मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, लेकिन इस साल मैंने नहीं बताया, बिकॉज मैंने इस साल इकोनॉमिक्स AFO वाले बैच को पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि आता नहीं है। तो रंगराजन कमेटी को बनी पॉवर्टी लाइन थ्रेशोल्ड क्या है, ये बात बहुत पहले की, बहुत पहले की रिकमेंडेशन है, तो बताया गया था, लेकिन हाँ ये मैं कवर्ड में नहीं मानूंगा, रीजन इज ये मैंने नहीं बताया इस साल, ऐसी फालतू तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जनरली बताता हूँ बिकॉज मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स के अंदर है, बट इकोनॉमिक्स कम आता है एफ में, बार आ गया तो इस बार खींच देंगे उसको भी अच्छे से बता देंगे। तो इन्होंने बोला कि 32 से कम कोई खर्च करता हो रूरल में और 47 से कम करता हो अर्बन में तो वो गरीब है ना। अगर 32 रुपए से ऊपर आप खर्च कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी, आप गरीब नहीं है। मैं इस बात को क्रिटिसाइज भी करता होता हूं और क्रिटिसाइज करना बनता भी है। आप बोल रहे हैं कि 32 रुपए से ऊपर कोई खर्च करेगा तो गरीब नहीं है, व्हाट डू यू थिंक यार, 50 रुपए से बनता क्या आज के टाइम में, पेट्रोल डलवाने जाओ 100 रुपए से पेट्रोल नहीं डलता गाड़ी के अंदर, तुम क्या लगता है यार कि किसी के पास अगर 50 रुपए दिन में वो खर्च लेगा वो गरीब नहीं है। तो मैं इस बात को समझाता होता हूँ, बट ठीक है नहीं बताया गया था हाल फिलहाल इस साल के किसी सेशन में, तो कवर्ड में नहीं मानेंगे, बट आंसर आपको बता दिया आंसर क्या आना चाहिए। यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन इक्वल टू आर के एल एस सी पी इन विच के स्टैंड फॉर, ये आंसर मैं क्वेश्चन ये कभी डिस्कस नहीं किया, बट हाँ अभी 4-5 दिन पहले आकाश सर की 7 बजे वाली क्लास थी, वहां पर इसका थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, एग्जैक्ट हुआ नहीं था, मतलब क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन का डिस्कशन वहां पे किया गया था, आप चाहेंगे तो चेक करिएगा, लेकिन स्टिल हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि हमने कवर किया, बिकॉज उसका थोड़ा सा डिस्कशन वहां पे था। हाल फिलहाल आप लोग ए आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, के जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, सोयल इरोडेबिलिटी फैक्टर के लिए, बाकी ARKLSCP सारा का सारा यहाँ पे लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर दोबारा से आके करिएगा। हाँ ये वाला है भाई, ये क्वेश्चन बुक्स में बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमने नहीं करवाया, ऐसे ऐसे झूठ क्यों बोला। कैल्केरियस सोयल गिव
एफर्वेसेंस विजिबिलिटी, एफर्वेसेंस विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बुलबुले से उठना, है ना। तो कहता है कैल्केरियस सोयल में बुलबुले उठेंगे जब उसे ट्रीट किया जाएगा विद द डाइल्यूटेड 0.1 नॉर्मैलिटी, एन का मतलब नॉर्मैलिटी, एचसीएल मतलब हाइड्रोक्लोरिक, है ना। सो एन मतलब नॉर्मैलिटी, एचसीएल ड्यू टू रिलीज ऑफ, तो आप जब ट्रीट करेंगे 0.1 एनएचसीएल से तो उसमें से बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाएंगे कैल्केरियस सोयल में। उन बुलबुलों में से क्या निकलता है, सर बुलबुले तो गैस है तभी तो निकलेंगे, और बुलबुले जो निकल रहे हैं किस गैस के कारण निकल रहे हैं, व्हाट वुड बी द राइट आंसर, यहां पे राइट आंसर आ जाएगा आपका CO2। ठीक है, कुछ भी आप बातें लिख रहे हो ना जो मेरे से पूछना चाहते हो, बस मुझे 5-10 मिनट का टाइम दे दो, क्वेश्चन ओवर होने वाले हैं, उसके बाद सब कमेंट देख के 10 मिनट के लिए आपके ही रिप्लाई करूंगा। फिलहाल अपने बिंदास क्वेश्चन चलने दीजिए, थोड़े से हो रहे हैं। सो कैल्केरियस सोयल की बात करेंगे तो देखो भाई, आईसीआर का ऑनलाइन कोर्स का मैंने पहले ही बोला, अब वो क्वेश्चन है जो मैंने कवर नहीं किया, 39 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका जो मेरे सोर्सेज से कवर होते हैं, 3 क्वेश्चन जो मेरे ही मानूंगा, मेरे क्यों मानूंगा, बिकॉज द हिंदू के फ्रंट में इसे कवर अगर हुए है ना, मैं पहले दिन बोलता हूं पेपर को अपनी हैबिट बनाइए, तो 42 क्वेश्चन मानूंगा कि मैंने कवर किया, बिकॉज वो मेरी गाइडेंस थी कि पढ़िए उसे, वो अलग बात है कि द हिंदू मेरा कोई सोर्स नहीं है, वो तो आपकी मेहनत है, लेकिन स्टिल बट 39 सीरीज से मैंने अपने सोर्स से कवर किए, ये मेरे सोर्स का स्क्रीनशॉट नहीं है, ये आईसीआर के ऑनलाइन कोर्सेज का, जहां पे पहली लाइन में लिखता है कैल्केरियस सोयल आर दोस दैट कंटेन एनफ फ्री कैल्शियम कार्बोनेट एंड गिव एफर्वेसेंस विजिबिलिटी रिलीजिंग CO2 गैस, है ना, बुलबुले निकलेंगे CO2 गैस रिलीज करेंगे जब उसको ट्रीट किया गया 0.1% NHCl मतलब normality hydrochloric acid से। आगे चलता हूं, next बोला गया यूरिया फर्टिलाइजर इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो यूरिया फर्टिलाइजर है वो किससे बनता है, आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा। सचिन शर्मा जी कहते हैं 38 हुए हैं अभी तक, कोई बात नहीं शर्मा जी, पीपीटी से दोबारा चेक कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, हमने 39 कवर किए हैं और वो आपको सोर्स के साथ दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक मैंने वो सब्सिडी वाला दोबारा क्वेश्चन बताया, वहां पे मैंने फोटो नहीं लगाई, बिकॉज वो पिछली लगा चुका हूँ सब्सिडी वाली, तो वो करंट अफेयर्स की बुक पिछले साल की भी होगी, वहां भी दिया है, सब्सिडी वाले नोट्स हमने फ्री में शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम पे, तो वहां पे दिया हुआ है ना। चलिए फिलहाल चलते हैं, राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, राइट आंसर आप लोग बोल रहे हैं सी आना चाहिए, सी क्या है, हाँ बिल्कुल सी आना चाहिए, इसका राइट आंसर अमोनिया प्लस CO2 आ जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया गया है कि यूरिया जो है इज मेड फ्रॉम द अमोनिया एंड कार्बन ऑक्साइड। अब ये भी मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट नहीं है, बट मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं इस बात को बहुत डिटेल में देखता हूं, बहुत डिटेल में एनालिसिस करता हूं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सोर्स से आया, बिकॉज जिस सोर्स से आया उसको भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा तो आपने सुना है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आपको तोड़ना है, आपको क्रैक करना है, पहाड़ पे नहीं चढ़ना, आपको तो एग्जाम सेंटर पे चढ़ना है, और एग्जाम सेंटर पे जाकर क्रैक करना है आपके एग्जाम को, तो अपने करेंगे मिलके। अगले क्वेश्चन पे, मिनिमम रिक्वायरमेंट पीरियड ऑफ लैंड विच इज ऑन लीज और रेंट और एट लीस्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स फॉल्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनकम्ब्रेंस अंडर फूड प्रोसेसिंग पैरामीटर। फूड प्रोसेसिंग पैरामीटर कहते हैं अगर आपको मेगा फूड पार्क बनाना है ना, तो अपनी जमीन पर बनाइए, और अपनी जमीन पर नहीं बनाना तो लीज पे लोगे तो कम से कम लीज पे लेना पड़ेगा, और कितने साल के लिए लेना पड़ेगा वो राइट आंसर आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आपको लेना पड़ेगा उसे 75 इयर्स के लिए। ये यहां पे जो मेगा फूड पार्क स्कीम के FAQs, FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ है कि whether फ्री होल्ड लैंड इज नेसेसरी और इट कैन बी लीज लैंड और मिक्स ऑफ लीज एंड फ्री होल्ड। तो उन्होंने बताया कि लैंड कैन बी इधर परचेज हो सकती है, कैन बी टेकन ऑन लॉन्ग टर्म लीज हो सकती है, इन केस ऑफ लीज The minimum period should be 75 years. तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अब ये कह रहा होगा कि अब स्कीम्स को बहुत अंदर तक पढ़ेंगे। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर आप एक स्कीम को इतना अंदर तक पढ़ेंगे ना, तो ये बोलिए कि स्कीम के नाम पे ना, एक स्कीम के नाम पे वो कम से कम 4-4 पेज पढ़ने पड़ेंगे, A4 के 4 पेज। अब A4 के 4 पेज पढ़ने पड़ेंगे ना तो बहुत बड़े हो जाएंगे। फिर ये बोले कि 20 स्कीम पढ़ोगे ना तो 80-90 पेज तो उसी में चले जाएंगे, और 80-90 पेज में बहुत कवर हो जाता है। 80 पेज की मैगजीन से तो 21 क्वेश्चन आते हैं, पता है ना आपको, और स्कीम में से कभी 21 क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जहां पे बेसिक पढ़ना पड़ेगा, आ जाए तो बेस्ट है, नहीं आए तो उतना डेप्थ में आप जा नहीं पाएंगे, बिकॉज सब्सिडीज पढ़नी है, नबार्ड नोट्स भी आपको पढ़ने हैं, और ये सब भी आपको कवर करना है। आगे चलता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, है ना, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, क्या लगता है आपका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा।
ओके सो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे, राइट आंसर क्या आएगा, सारे लोग जानते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो एक तो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो थोड़ी सी अलग टेक्नोलॉजी है, ये इंसेमिनेशन की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये बात कर रहा है एम्ब्रियो ट्रांसफर की। जैसे मैंने सरोगेट मदर का नाम सुना होगा, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, एम्ब्रियो को सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं यार, बी जो बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, जो राइट आंसर आएगा इट विल बी एनडीडीबी। एनडीडीबी ने इसे डेवलप करा है, क्योंकि ए बी सी सारे ही मिक्स आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, राइट आंसर एनडीडीबी आएगा इसका। चाहेंगे तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा कि जहां पे एनडीडी ने ऐसा लिखा है कि भाई साहब ये मैंने बनाया है। आगे चलता हूं, बोला गया लार्जेस्ट सरफेस वाटर इरिगेशन एरिया कवर्ड अंडर विच रिवर बेसिन इन इंडिया। देखिए इसने बोला सरफेस वाटर इरिगेशन एरिया, सरफेस वाटर इरिगेशन एरिया कवर करता है कौन सा रिवर का बेसिन। रिवर बेसिन की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से गंगा माइंड में सबसे पहले आ जाता है, ब्रह्मपुत्र सबसे पहले माइंड में आ जाता है, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र कहीं ऑप्शन में ही नहीं था, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं है, तो अब मुझे कहां जाना पड़ेगा, नाम बहुत बड़ा है महानदी, लेकिन महानदी का बेसिन वो छोटा सा है, महानदी आंसर आने वाला नहीं है मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइए मुझे, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। अब ए सी डी में से राइट आंसर क्या आना चाहिए आप लिखिए, फिर मैं आपको मेरा आंसर बता दूंगा। हमारे एग्री साइंटिस्ट सेवन जी हैं, ये गोदावरी के साथ चार बार सो सो लिख चुके हैं, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो बात इनकी मान ही लेते हैं, गलत थोड़ी बोलेंगे ये। हाँ आप सारे लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गोदावरी आंसर आएगा, लेकिन डेटा समझ लीजिए। देखो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना सिस्टम जो है ये सबसे बड़ा कैचमेंट लेके बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट 110 मिलियन हेक्टेयर सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र के पास है। The other major rivers catchment area more than 10 million hectare are those Indus लेके बैठे 32.1 का, गोदावरी के पास 31.3 है, तो Indus के पास ज्यादा है, but Indus option में नहीं था, गोदावरी के पास 31.3 है, कृष्णा के पास कम हो गया, महानदी तो काफी कम लेके बैठे, तो इसलिए right answer क्या आएगा, right answer will be गोदावरी। लेकिन ध्यान रखना गोदावरी से ऊपर Indus भी है, गोदावरी से ऊपर ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो ये सब ऑप्शन में आएंगे तो आंसर वो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं थे इसलिए आंसर ये वाला आया। बट इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, कि टॉप पूछता फर्स्ट और सेकंड तो मान लेते, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस को छोड़ के आगे गोदावरी पे आ गया। अब तो क्वेश्चन हमारे पास है ना, तो हमने इजीली आंसर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन पेपर में इतनी कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी ये आपको समझा देगी कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, या बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ईजी था। बातें नहीं करता मैं ये सारी कट ऑफ वाली, है ना, क्योंकि मैं ये प्रिडिक्शन नहीं ले पाता हूँ। बाकी आप भी डिस्कस मत किया कीजिए, लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं, आपको पता है मैंने दो वीडियो प्लान की हुई है जो मैं आकाश सर से डिलीवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि वो बंदा मजबूर है बेचारा, है ना, कहूँगा तो मना नहीं करेगा मुझे, बट प्रॉब्लम इज करना नहीं चाहता ना करवाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मैसेज करते हैं फिर करवाना पड़ता है, तो कट ऑफ वाला डिस्कशन भी करूंगा, सैलरी वैलरी वाला भी कर लेंगे किसकी कितनी होती है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं तो फिर बेटर है कि कोई ना कोई आपको बता ही दे, है ना, आपको आकाश सर की बातों में ज्यादा मजा आता है, तो सोचता हूँ ये मजे वाली बात उन्हीं से करवा देंगे। फिलहाल आगे चलता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट इनलैंड वाटर रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकिश वाटर, है ना। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसने बोला कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट इनलैंड वाटर रिसोर्स है। इनलैंड का मतलब क्या होता है, वो कैनाल हो, वो रिवर हो, वो रिजर्वियर हो, वो कैचमेंट हो, वो बेसिन हो, कुछ हो भैया, लेकिन स्टेट की बाउंड्री के अंदर है, वो पानी तुम्हारे पास है, वो खारा हो, मीठा हो, गर्म हो, ठंडा हो, कुछ हो, तुम्हारे पास है ना पानी, वो तुम्हारा इनलैंड रिसोर्स है। बताओ सबसे ज्यादा किसके पास है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश। आपको बता दूं मैं, अगर आपको आंसर नहीं आता था और आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आंसर किया जा सकता था, कैसे, देखिए सर केरला और तमिलनाडु तो आंसर नहीं आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है, केरला पानी देता है और तमिलनाडु को पानी देना पड़ता है, काफी झगड़े से चलते रहते हैं, आप अगर पेपर पढ़ते हैं ना तो आपको पता होगा केरला और तमिलनाडु के विवाद चलते रहते हैं पानी के लिए, इनके पास हाईएस्ट नहीं है। हाँ ये बात ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश तीनों ही हाईएस्ट में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे, पेपर जो बंदा कंटिन्यूअसली पढ़ता है ना वो इजिली कैलकुलेट कर सकता था, बिकॉज आप तो अभी बता दे रहे हैं लेकिन पेपर में आपने किया कि नहीं, चीज बहुत मैटर करती है। बाकी आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका जो राइट आंसर आएगा ये उड़ीसा, लेकिन याद रखिए अगर टॉप की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, आंध्र भी उसी में ही आते हैं। अगर वो रिवर और कैनाल की बात करते तो उत्तर प्रदेश की बात आ जाएगी, ओवरऑल की बात करते तो उड़ीसा की बात सबसे पहले आ जाएगी।
ठीक है, ये मैं डेटा आपको दे देता हूं। ओडिशा हैड द लार्जेस्ट कंबाइंड एरिया ऑफ ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया विद अराउंड 430,000 हेक्टेयर ऑफ ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज। ओडिशा रैंक फर्स्ट एज रिगार्ड्स द टोटल एरिया ऑफ ब्रैकिश वाटर एंड इज फॉलोड बाय द गुजरात, केरला, वेस्ट बंगाल, है ना। नेक्स्ट बोला गया था टोटल एरिया ऑफ इनलैंड वाटर रिसोर्सेज थस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री विद द फाइव स्टेट। पांच स्टेट कौन से? उड़ीसा, आंध्र, गुजरात, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। अकाउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज इनलैंड वाटर बॉडी, मतलब आधी तो इन्हीं के पास है, उड़ीसा, आंध्र, गुजरात, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल के पास। लेकिन हाँ, टॉप की बात करेंगे तो टॉप थ्री में देख लीजिए, उड़ीसा आया है, आंध्र आया और गुजरात आया टॉप थ्री के अंदर। डेटा आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में पढ़ते रहिए, आगे चलता हूं। लोएस्ट इनलैंड वाटर रिजर्वियर इज इन विच स्टेट? लोएस्ट वाटर रिजर्वियर जो है वो कौन से स्टेट में है? क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा? अच्छा, आप जाट हैं। उस दिन मुझे जो प्यारे भाई साहब बीकानेर से बात करे थे उनका नाम भी जाट था, क्या आप ही हैं वो वाले भाई साहब? क्योंकि आप वैसे ही बात यहाँ पे भी लिख रहे हैं। सर कितने भी कम प्राइस की हो, हमारे वाली ये वाली फ्री है सर, कंप्लीटली 21 क्वेश्चन 80 पेज में से आप लिख रहे हैं जिस बुक के लिए, बताइए क्या वो 80 पेज की है और क्या वो फ्री है? अगर फ्री भी और 80 पेज भी है तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर फ्री नहीं पेड है और 80 पेज उससे ज़्यादा है तो फिर सर हमने 21 क्वेश्चन कवर कर दिया है सर, क्योंकि मुझे पता है मेरे वही प्यारे बीकानेर वाले भाई साहब हैं। इन भाई साहब ने मुझसे काफ़ी देर बात करी, मैंने इनको बोला बीकानेर में कहाँ रहते हैं, ये मुझे कुछ कुछ और बताने लगे, बोला यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? राइट आंसर जो है वो क्या आएगा, लोएस्ट की बात कर रहे हैं भाई साहब, लोएस्ट के केस में जाएंगे तो आंसर विल बी तमिलनाडु। राइट आंसर क्या आएगा? तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इन विच क्रॉप पेप्सिको प्राइवेट लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोलैबोरेटेड स्टार्टेड अ ट्रिपल पी ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे आंसर आप कीजिए क्या आना चाहिए, बट मैं यहाँ पे आंसर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर आप पोटैटो बोलने वाले हैं तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स के उस आर्टिकल में जा रहे हैं जो अगस्त 2012 के अंदर है, जहां पे उसने सिर्फ पोटैटो की नहीं, टोमेटो, पोटैटो और वेजिटेबल्स की बात करी। और जब आप टोमेटो, पोटैटो और वेजिटेबल वाले केस में जाएंगे, है ना, तो टोमेटो, पोटैटो और वेजिटेबल वाले केस में अगर आप जाएंगे तो सर वहां पे ड्रिप इरिगेशन नहीं आना चाहिए। आ भी सकता है, बड़ी बात नहीं है, बट शायद पोटैटो वाले केस में तो नहीं, टोमेटो वाले केस में तो मान सकता हूं, पोटैटो वाले केस में नहीं आना चाहिए। तो मैं यहां पे अभी के लिए इसका आंसर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि रिसेंट मुझे दिखता नहीं है और मेरा दिमाग तो नहीं, लेकिन दिल सिट्रस से जाना चाहता है, क्योंकि दिल तो दिल है ना, वो तो कुछ भी कह रहा है, क्योंकि वो ड्रिप के साथ जा रहा है और फिर वो महाराष्ट्र के साथ जा रहा है, फिर वो पेप्सिको के साथ जा रहा है, और दिल सोच रहा है कि यार पेप्सिको कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहेगी, महाराष्ट्र में सिट्रस आना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन और मुझे पक्का कर दे रहा है। तो फिलहाल मुझे कोई ऑथेंटिक नहीं मिला, लेकिन टेंशन ना लीजिए, नीचे कमेंट के अंदर मैं आपको दे दूंगा, क्या दे दूंगा, कमेंट के अंदर ऑथेंटिक सोर्स दे दूंगा, जहां पे बता दूंगा कि क्या इसका राइट आंसर आना चाहिए। हाल फिलहाल आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही मानेंगे, ठीक है यार, कोई बात नहीं, इतने सारे लोग लिख रहे हैं तो मैं भी हो सकता है ना, मैं फालतू ऐसे ही कर रहा होगा हवा। ओके, आगे चलते हैं। बोला क्या, विच डिवाइस इज अटैच, इसका मुझे आंसर नहीं पता यार, क्योंकि इसका क्वेश्चन मेरे पास क्लियर नहीं है। हाँ, आपने भी ऑरेंज करा ना, हाँ, क्योंकि मेरा भी दिल ही ऑरेंज कर रहा है, दिमाग नहीं कर रहा मेरा, और ना ही आपका दिमाग कर रहा है, क्योंकि आपने महाराष्ट्र पढ़ा, ड्रिप पढ़ा और फिर सिट्रस, क्योंकि महाराष्ट्र की बात चले तो सिट्रस आना चाहिए, दिल है कि मानता नहीं, मेरे भी दिल नहीं कहा भैया, दिमाग नहीं कह रहा, क्योंकि पता नहीं यार राइट आंसर क्या आएगा, तो शायद आपने भी दिल से ही करा होगा। कोई कह रहा है सर मैंने हमारे नोट से तैयारी की, थोड़े गलत हुए हैं, बहुत मेहनत की थी, और साथ में सैड वाले स्माइली। सर देखिए, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गिर के उठा ना हो, और कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ऊपर और गिरा ना हो, गिरना कोई दिक्कत नहीं है ना, याद रखिएगा। अगर सफल बनना है ना, एक सफल इंसान की जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं भी होती है। मैं आगे चले खत्म करता हूं, फिर आपके डाउट्स पढ़ूंगा भाई। इसका अगर आपके पास राइट लैंग्वेज हो ना यार, तो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर दीजिएगा, ताकि मैं राइट लैंग्वेज को पढ़ के राइट आंसर दे सकूं। फिलहाल मेरे पास एग्जैक्ट इसकी लैंग्वेज नहीं है, एक ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों का एग्जैक्ट मेरे पास लैंग्वेज नहीं है, तो मैं ये दो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया हूं, लेकिन बाकी मैंने 47 या 48 क्वेश्चन जो थे वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अभी भी कुछ रह गया होगा क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ढूंढ के
उसको फिर लिख के और मैसेज को पिन कर दूंगा ताकि आने वाले सारे लोग उसका आंसर देख सके, है ना। फिलहाल सेशन को ओवर करेंगे और इनवाइट करेंगे उन सब लोगों को जिनके माइंड में कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू दिस पार्ट क्वेश्चन में से या कहीं और से कोई डाउट है, आप बोलिए, आपका डाउट उसे क्लियर करेंगे। बोला नार्स लास्ट मिनट बुक किसको भी नहीं मिली फिर फ्री कैसे। ओके सर आपको बता दूं, फिर से आपको बता देता हूं बच्चों, एक बार यस नो लिखो, क्या आपको एग्जाम सेंटर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर देने के बाद ये वाली मैगजीन फ्री मिली थी क्या। सर आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यूपी के सारे सेंटर्स पे और बिहार के सेंटर्स पे, फिर कुरुक्षेत्र हरियाणा वाले पे, यमुनानगर में, चंडीगढ़ में, इन पांच सेंटर मतलब पांच नहीं पांच लोकेशन पे, सात या आठ सेंटर, हाँ जयपुर के अंदर भी बांटी थी हमने, तो नौ दस लोकेशन पे हमने ये दी थी मैगजीन। 5000 कॉपी दी है बिकॉज बच्चे तो 30-40 हजार अपीयर होंगे ना, तो 5000 को हमने दी है और बाकी टेलीग्राम के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को दी है। आप वहां फिजिकली नहीं ले पाए और आपने टेलीग्राम से भी नहीं लिया तो फिर सर आपकी अप्रोच थोड़ी सी सोशली उतनी कनेक्टिंग नहीं है, तो उसको कनेक्ट कीजिए। सर आप चेक कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे 80,000 से ऊपर लोग हैं वहां पे, 2-4 हजार होते तब भी मान लेता कि आप वहां पे नहीं है, 80,000 अगर आए तो आपको भी वहां होना चाहिए। और कल ही मैंने उस मैगजीन को शेयर किया, आप चेक कर सकते हैं, ये वाली मैगजीन है, 13 नंबर पेज है, एक ही पेज से 10 क्वेश्चन है, आए हो तो बता देना, है ना। ठीक है, मतलब ऐसे मजे ले रहा हूँ मैं यार, कुछ लोग हैं ना वो डिसलाइक वाले, ये लोग जलते हैं, तो मैं मजे ले रहा हूँ उनके, एक पेज से 10 क्वेश्चन बताओ, आते तो बात कर लेंगे। सर महाराष्ट्र के बारे में भी सोचो, और यार महाराष्ट्र के बारे में नहीं, महाराष्ट्र भी बहुत अच्छा स्टेट है यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है दिसंबर में वहाँ पे जाना, बिकॉज हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है, वहाँ गर्मी होती है, पर महाराष्ट्र थोड़ा दूर है ना यार, ट्रांसपोर्टेशन और ये वो सब, बिकॉज फ्री मैगजीन देनी थी ना ये, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने महाराष्ट्र कैंसिल कर दिया, वरना हम चाह रहे थे कि हमारा जो पार्टनर औरंगाबाद में है उनसे हम बात करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, औरंगाबाद सेंटर भी था, बट वो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो गया यार, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, 22-23 रुपये की एक मैगजीन पड़ रही थी, तो सोचा कि महाराष्ट्र इस बार कैंसिल करते हैं, बट डोंट वरी, कोशिश करेंगे प्री एग्जाम के टाइम पे कुछ ना कुछ वहाँ भी पहुँचा देंगे। सर गुजरात में क्यों नहीं, लक्ष्मण जी पूरा क्वेश्चन लिखो ना यार, आप किसके लिए गुजरात लिख रहे हो। फिर बोला महाराष्ट्र में भी करो अगली बार पक्का, आपने थ्रेशोल्ड यील्ड का बात नहीं करा। सौरभ जी प्लीज क्वेश्चन लिख दो यार, उसकी बात भी कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, उसकी बात भी करूंगा, लेकिन क्वेश्चन यहां पे नहीं, नीचे कमेंट में लिखो यार, जो 2-3 रह गए होंगे मैं कंफर्म करूंगा, बिकॉज मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने 47 डिस्कस कर दी है, स्टिल रह गया तो प्लीज कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए क्वेश्चन वहां पे, मैं आंसर दूंगा आपको। बोला गया मार्जिनल फार्मर के पास कितना लैंड होना चाहिए, यार नीचे कर दो, हाँ वो चला गया, मार्जिनल फार्मर के पास कितना लैंड होना चाहिए पूछा था, और ऑप्शन में 0.5 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर था, तो मार्जिनल की बात करोगे तो कहाँ पे जाएगा वो, लेस देन 1 हेक्टेयर पे जाएगा, 0.5 भी हो सकता है, 1 हेक्टेयर से कम भी हो सकता है, अभी आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज पे है सर, देखिए ये तो क्या पूछा गया, क्योंकि पेपर इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, क्या पूछा गया ये आपको पकड़ना पड़ेगा पेपर में, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ना तो मेरा पढ़ाया और ना आपका पढ़ाया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम पे वो क्या पूछ लेगा आपसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपका कोई ऐसा कोर्स है जिससे टोटल एग्रीकल्चर कवर हो जाए, हाँ बिल्कुल है हमारा कोर्स, लेकिन उस कोर्स का नाम और प्राइस नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर मुझे लोग बोलेंगे ये तो बहुत महंगे हैं, ना 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 भैया हम फ्री हैं, 21 क्वेश्चन हमारे फ्री हैं, फिर भी लेना चाहो तो 1000 रुपये का हमारा कोर्स है, 500 के अंदर अवेलेबल, लेकिन आपने बोला सारा एग्रीकल्चर तो उसमें काफ़ी कुछ कवर करते हैं, तो हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको डिटेल में बताएंगे कौन सा कोर्स है और कितने में अवेलेबल है। बोला AFO नोटिफिकेशन आउट 884 IBPS, जरा चेक करिए टेलीग्राम पे है तो, 884 वैकेंसी अगर आई है ना तो धमाल मचा देंगे इस बार फिर, वैसे कोई लिख रहा है हो सकता है मजाक कर रहे हो सकता है सच हो, आ गया क्या देख जरा वैकेंसी देख ले बस, 884 है, अगर 884 वैकेंसी आ गई ना हम 250 लेके जाएंगे इस बार, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी हो जाए, आ गया है आ गया है आ गया है, आपको कोई ऐसा मैंने बता दिया आपको, सर बुक रिकमेंड कीजिए सर नबार्ड के लिए प्लीज, नबार्ड मेंस की बात कर रहे हैं क्या, मेंस में सर सब्जेक्ट के हिसाब से जाइए सर, मेंस में डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है वो, और मेंस में इस टाइम पे पढ़ने का फायदा नहीं, इस टाइम पे तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप मेंस की बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको हेल्प करेगी, टाइपिंग करनी पड़ेगी ना आपको यार वहाँ पे, तो न्यूज़पेपर पढ़िए, कंटेंट इकट्ठा कीजिए और उसको लिख लिख के टाइपिंग से प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा इस टाइम पे। सर BOM हर ईयर आती है क्या वैकेंसी, ये पहला साल था पहली बार था जब BOM ने अलग से वैकेंसी दी, वरना ऐसा कुछ नहीं होता है।
अकॉर्डिंग टू पीएम में भी वाई डेफिनेशन ऑफ थ्रेश होल्ड ईयर। अच्छा ओके, वो वाला क्वेश्चन, हाँ यार वो क्वेश्चन था सर, वो 7 ईयर्स है, वो बताया मैंने, आप मेरे पिछले साल की वीडियो देखना, कन्फर्म मैं लिंक शेयर करूंगा, मैंने बताया था थ्रेशोल्ड यील्ड का मतलब क्या होता है। वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि डेटा कितने साल का अवेलेबल है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सारे क्रॉप्स को कवर करती है, लेकिन उस क्रॉप का कवर नहीं करेगी जिसका उसके पास डेटा नहीं होगा। बिकॉज अगर मान लो मैं पंजाब के अंदर एक ऐसी क्रॉप लगा रहा हूं जो आज से पहले होती नहीं थी, तो उसका डेटा उनके पास नहीं है, तो पिछले 7 साल का डेटा होना चाहिए जिससे वो एवरेज प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं कि यहां की इतनी प्रोडक्टिविटी है, इस हिसाब से वो क्लेम दिया जाएगा। वो क्वेश्चन मुझे पता है डिस्कस हुआ है, लेकिन वो बाय चांस मैं भूल गया हूं यार पीपीटी के अंदर ऐड करना। 7 ईयर्स विल द राइट आंसर। कट ऑफ के बारे में आइडिया दे दीजिए, ये हमारे प्यारे आकाश सर, उनका काम, मतलब उनका काम नहीं है ऐसा, बट उनको मैं दे दूंगा कट ऑफ वाली बात, सर को बोलूंगा आपके साथ आके वो अलग से कर लेंगे, टाइटल डाल देंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र कट ऑफ, आप उनके साथ बातें कीजिएगा, मैं कट ऑफ वाली बात नहीं करता हूं। 884 कांग्रेचुलेशन, चलिए कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। 884 आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसीज है क्या? ठीक है चलो मैं जाता हूँ यार, है ना, वापस आता हूँ जल्दी से 15 मिनट के अंदर, आईपीएस एफओ नोटिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं, वैकेंसीज कितनी आई है बता देते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, कुछ भी रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।